मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस 72 आवर प्रोग्राम में। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है आप तक? अच्छा, यहाँ पे दो तरह के पेशेंट्स हैं। एक तो वो जो 72 आवर्स के लिए हैं, यानी कि थर्सडे शाम को आप आए, कल का दिन पूरा निकल गया, आज सैटरडे है। और एक ऐसे भी कुछ पेशेंट्स हैं, मेरे ख्याल से करीब 40, जो पहले से ही हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे एग्जैक्ट काउंट अगर बोलें तो 94 पेशेंट्स हमारे पास, 94। इसमें से करीब 58 तो ऐसे हैं जो 3 दिन के लिए हैं हमारे साथ, और कुछ ऐसे हैं बाकी जो पहले से ही हैं, कोई एक हफ्ते पहले से, कोई 5 दिन पहले से, कोई 2 दिन पहले से, कोई 1 महीने पहले से भी, ऐसे भी हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग हर तरह के पेशेंट्स हैं। करीब 20% पेशेंट तो कैंसर के हैं, हार्ट के करीब 10% हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज 30% ये भी हैं, डायबिटीज खूब सारे हैं, हाइपरटेंशन खूब सारे हैं, अर्थराइटिस है, इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, लगभग हर तरह के हैं। और अगर मैं देखूं तो आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं, झारखंड है, यूपी तो यही है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, इसके अलावा गुजरात, असम, मणिपुर, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, पूरे देश के करीब 15 स्टेट से हम सब यहाँ पे हैं। बिहार से भी हैं, वेस्ट बंगाल से भी हैं। तो हाँ, तो लगभग सारे स्टेट से हैं और लगभग हर तरह की बीमारियां मैंने ध्यान से देखा एक एक करके। आप सबके जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जो आने से पहले आपने भरा और जब से यहाँ पे हैं तब से लेकर अभी तक का जो आपकी सिचुएशंस हैं, आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, आपका पेन, आपकी दवाइयाँ, कौन सी दवाई चल रही है, कितनी चल रही है, क्यों चल रही है, वो सारा लेखा जोखा ये मेरे पास है। जितनी सारी चीज़ आपने बताई होंगी सुबह तक कि मेरे पास है एक एक का, क्योंकि मैं ये देखता हूँ मेरे पास फिजिकल कॉपी में है और मेरे मोबाइल पे भी है। तो अब ये तो अगर आप अपने हेल्थ के बारे में कुछ बताएंगे तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो पढ़ा हुआ है। तो अभी यहाँ क्या होने वाला है, अभी पहली बात तो ये, जो सवाल आपने कल लिख के दिए थे, ये सवाल आपने लिख के दिए थे, इन सब के जवाब मैं करके दूंगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि अभी एक दिन से अधिक हो गया है यहाँ आए हुए, बल्कि 2 दिन हो गया है, तो अभी तक की आपकी उपलब्धि क्या रही, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या रहा, उस पर हम पहले बात करेंगे, फिर आपके सवाल लेंगे, उसके बाद आज कुछ नया हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस दौरान आपके दिमाग में ढेर सारे और सवाल भी आएंगे। जब ढेर सारे और सवाल आएंगे तो इसी तरह से आपको दोबारा से सवाल लिखना है, और वो मैं कलेक्ट कर लूँगा, फिर अगले लेक्चर में, कल में मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। कल फिर दोबारा सवाल आएंगे तो वो फिर लिखिएगा, वो मुझे दीजिएगा, तो अगली क्लास होगी सैटरडे, कमिंग सैटरडे, जब आप घर पे होंगे, जूम से होगी, वो तीसरी होगी। जितनी आप गहराई तक जाएंगे उतने सवाल बढ़ते जाएंगे, जितने सवाल आप पूछेंगे उतनी क्लैरिटी होगी। आइडिया इस आज के इस सेशन का यह है कि कमान आपके हाथ में हो, किसी और के हाथ में नहीं, ना तो किसी डॉक्टर के हाथ में हो, ना मेरे हाथ में हो, ना किसी हॉस्पिटल के हाथ में हो। कोई भी चीज़ अगर आपको हो गई है, कोई दर्द है, कोई सूजन है, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, हीमोग्लोबिन घट गया, चक्कर आ गए, वीकनेस है, कमजोरी है, पेट दर्द है, उल्टी है, पूरी बॉडी में, बदन में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के दर्द हैं, बुखार है, जो भी चीज आपको होती है, मैं ये नहीं बोल सकता कि ऐसा नहीं होगा कभी, आपके लिए मेरे लिए होगा ऐसा, लेकिन उसमें करना क्या है वो आपको पता होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपको समझ आनी चाहिए। तो वो क्या है, कैसे है,
और अच्छी बात यह कि यहाँ पे हर बीमारी के लोग हैं, और उससे भी अच्छी बात यह है कि सालों साल से आप दवाइयों पे थे या हैं, लेकिन यहाँ आने के एक दिन दो दिन के अंदर आप में से बहुत लोगों की दवाइयाँ पूरी तरह छूट गई हैं। पहले उनके बारे में बात करते हैं, फिर कैसे छूटी वो बात करते हैं, फिर जो बाकी सब जिनकी नहीं छूटी उनको कैसे छूट। दवाई छूटने का मतलब जब बीमारी है नहीं तो दवाई को छोड़ना मजबूरी हो जाती है। अगर मैं शुरू करूँ एक एक करके आप में से, पूनम प्रसाद हैं यहाँ पे बैठी हुई, आप बैठी हुई ना यहाँ पे, एक बार हाथ ऊपर करके एक बार खड़े होके भी दिखा दें। यस, बैठ जाइए प्लीज। पूनम जी, आप यहाँ पे आए थे और जब आए थे तो आप 12 यूनिट इंसुलिन लेते थे पिछले 3 साल से, और अब 2 दिन हुए हैं इंसुलिन 12 यूनिट छूट गई है आपकी, और फिर भी ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, ये तो अच्छी बात है। और इसके साथ साथ बाकी दवाइयाँ भी छूट गई हैं, आपका जो बाउल मूवमेंट है पेट वो भी साफ होने लगा है, आपने आज सुबह रिपोर्ट किया कि आपकी एनर्जी लेवल बढ़ गई है, आपकी नींद अच्छी हो गई, ये सारे कमाल तो 2 दिन में हो गए, इजंट इट राइट। थर्सडे को आए थे, टुडे सैटरडे, तो 2 दिन में ये हो गया। 3 साल से आप इंसुलिन ले रही थी जैसा आपने बताया, जब आप आए थे तब इंसुलिन ले रही थी तब आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 149 था, अब बिना इंसुलिन के फास्टिंग ब्लड शुगर 175 है। तो यही सारी चीज़ें पूनम जी, अगर आज से 3 साल पहले इंसुलिन जिसने दिया वो ना देख के अगर ये बदलाव तब कर लेते तो इंसुलिन कभी लेते ही नहीं, है ना। एनीवे, अच्छी बात है ये, यानी कि इंसुलिन छूट सकता है, एक उदाहरण तो ये सामने रहा। लेकिन ऐसे अगर बाकी जितने लोगों ने जो इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, देखते हैं उनकी क्या हालत है अभी। ऋतिक अग्रवाल, ऋतिक अरुदय, ऋतिक योर देयर राइट, प्लीज सिट डाउन। ऋतिक, आपकी जो कहानी है वो थोड़ी सी अनोखी है लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। वो ये कि 21 साल से आप इंसुलिन ले रहे थे, 21 ईयर्स, जबकि आपकी खुद की उम्र तब 3 साल की थी, 21 साल, और आप 94 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे 2 दिन पहले तक, 94 से 2 दिन में 32 यूनिट इंसुलिन तक पहुंच गया, 94 था 32 आ गया। वेट भी आपका घटा है, 81.2 था अभी 79.6 है। आपका किसी का वेट मैं बढ़ाना घटाना नहीं चाहता, हमारा गोल ये है कि बॉडी को ऑप्टिमाइज करना है, उसको बैलेंस में लाना है, उसके लिए वेट बढ़े घटे। ऋतिक, यस हाँ, शुगर आपका जो चल रहा है सुबह का फास्टिंग है वो 307 है। हाँ बैठी ऋतिक, मैं आ रहा हूं उस पर। ऋतिक का इट इज कॉल्ड डायबिटीज टाइप 1, जो बचपन में 3 साल की उम्र से सीधे ही इंसुलिन लगता है उसका वो नहीं, और 21 साल हो गए हैं इंसुलिन लेते रहते, तो ऐसे में इंसुलिन के साथ भी ब्लड शुगर बढ़ता घटता रहता है ना, ये एब्रप्ट है। अभी मान लीजिए आज जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप 94 यूनिट ही लेते तो ब्लड शुगर इतना लो चला जाता हाइपोग्लाइसीमिया। मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है वो, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब बिल्कुल ही नीचे। याद रखिए, ब्लड शुगर हाई जाने से आप नहीं मरने वाले, कई महीने लगेंगे बॉडी के ऑर्गन को डैमेज करने में। अगर ब्लड शुगर एक बार भी लो चला गया, लो मतलब 50 तक चला गया, तो एक बार में ही कोमा में इंसान जा सकता है। इसीलिए जो इंसुलिन के पेशेंट हैं, हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत हाई रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इंसुलिन ज़्यादा दे दें और वो लो में चला जाए, कोमा से उठाना फिर मुश्किल है। ऊपर से नीचे हाई है तो उसको नीचे करना उतना मुश्किल नहीं है, राइट। तो ये हमारी ऋतिक स्ट्रेटजी है कि थोड़ा सा बढ़ा रहे चलेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि गलती से इंसुलिन ब्लड शुगर कम ना हो जाए, इसीलिए कंजर्वेटिवली इंसुलिन देते हैं, कंजर्वेटिवली। खास तौर पे ऐसे लोगों को जिनको जिनके बॉडी को इंसुलिन डिपेंडेंसी की आदत 2 डेकेड 20 साल से ऑलरेडी हो चुकी है, राइट। लेकिन रास्ता यही है कि इंसुलिन को आपको धीरे धीरे घटाना है, खास तौर पे फास्ट एक्टिंग, जो फास्ट एक्टिंग है उसे घटाना है, जो शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है वो आखिर में घटाना है, इस तरह से। तो ऐसे में आपकी ब्लड शुगर हाई, अगर हम देखें जब आप आए थे
तब भी आपकी 258 थी जबकि आप 94 यूनिट ही ले रहे थे फास्टिंग, राइट? देखा जाए तो वो भी हाई था, राइट? अब 94 से 32 पे आ गए, लेकिन अभी भी आपके यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है ना, एक स्कैनर लगा, वो हर 15 मिनट की ब्लड शुगर की रीडिंग रिकॉर्ड करता रहता है, राइट? यानी कि जब आप सो रहे होंगे तो ब्लड शुगर रीडिंग क्या थी वो भी हम चाहें अभी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, राइट? तो अगर मैं बोलूं ये जो पूनम प्रसाद अभी जिनकी ब्लड शुगर इंसुलिन छूट गई जिनकी, उनका ही ये स्लाइड है, आपने भी स्कैनर लगाया है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है ऋतिक, ये आप जरा ध्यान से देखो, आप सभी देखिए। रात को हमने खाना खाया सबने 7 बजे, खाना खा के फिर कुछ नहीं खाया, फिर सो गए, और क्योंकि कुछ नहीं खा रहे हैं तो ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं, वो धीरे 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 घटेगा, ऐसे ही उम्मीद करते हैं ना। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ जितने भी लोग जिन्होंने स्कैनर लगाया उनका अगर आप ब्लड शुगर आधी रात का देखेंगे 3 बजे 4 बजे, तो 3 बजे 4 बजे के बाद बिना कुछ खाए भी, क्योंकि वो तो सो रहे हैं ना, तब भी ब्लड शुगर अपने आप ही बढ़ने लगता है। पहले दिन भी ऐसे हुआ पूनम जी के साथ, दूसरे दिन भी ऐसे हुआ, 4 बजे ब्लड शुगर अपने आप ही बढ़ने लगता है। इट इज कॉल्ड डाउन फिनोमिना, एकदम नीचे हिट करेगा फिर ऐसे ऊपर जाएगा, राइट? तो लेकिन आप फास्टिंग जब चेक करते हैं तो आपको ऊपर वाला दिखता है, जैसे इनको दिखा 300, अरे बाप रे इतना ज्यादा बढ़ गया, तो क्या करने वाले हैं ये, इंसुलिन बढ़ाएंगे घटाएंगे? जितना ज्यादा इंसुलिन बढ़ाएंगे यानी कि एक बॉल को जितनी जोर से नीचे फेंकेंगे वो उतना ही ऊपर जाएगा, है ना, वो बाउंस बैक करेगा, डाउन फिनोमिना, क्योंकि हमने बढ़ा वाला देखा। हम तो उठने के बाद ही तो ब्लड शुगर चेक करेंगे, आप यहां कहीं ब्लड शुगर चेक करेंगे तो आप देखेंगे तो फास्टिंग है, लेकिन हमारी बॉडी हमारे उठने से 1-2 घंटे पहले लिवर थ्रोज ब्लड इनटू द शुगर इनटू द ब्लड, बिना कुछ खाए भी जब सुबह उठते हैं तो भी ब्लड में कुछ शुगर घुल जाता है जो कि लिवर उधार देता है, और उधार देता है किस, वो उसका मैकेनिज्म क्या है, जितना ब्लड शुगर डिप करेगा उतना उधारी ज़्यादा देगा, और जितना उधारी ज़्यादा ब्लड शुगर देगा फास्टिंग ब्लड शुगर आपको उतना ज़्यादा दिखेगा, और जितना ज़्यादा दिखेगा उससे आपको ये एहसास होगा इतना ज़्यादा है तो उसे घटाना चाहिए, तो आप इंसुलिन और ज़्यादा लेंगे, और इंसुलिन जितना ज़्यादा करेंगे अगले दिन आधी रात को उतना ही डिप होगा, और जितना डिप होगा उतना ऊपर जाएगा। तो ये एक विशियस साइकिल बन गया, इसको ब्रेक करना है, इस बात को आप समझिए। वो समझना तभी पॉसिबल है जब आप 24 घंटे के ब्लड शुगर रीडिंग को आप देख पाए, मॉनिटर कर पाए। तो ऋतिक आपको जो स्कैनर लगा है, बाकी जिन जिन को स्कैनर लगा है, स्कैनर इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट को लगाया हमने, 14 दिन तक ये स्कैनर लगा रहेगा, 14 दिन के बाद आप इसको निकाल के स्टिकर की तरह आप कुरियर करके हमें भेज देंगे, फिर हम 14 दिन का ब्लड शुगर रिपोर्ट आपका देख पाएंगे, सुबह शाम दिन रात का पैटर्न क्या है, और उसके हिसाब से हम ये बता पाएंगे कि कितना आगे का रास्ता कैसा होगा, राइट? यानी कि अगले 14 दिन यहाँ जाने के बाद भी अगर बीच में कभी लड्डू खा लिया वो भी उसमें दिखाई देगा कि अब लड्डू आपके बॉडी में गया है, राइट? इसलिए ध्यान रहे, राइट? तो ये मैकेनिज्म है। तो अब हम आगे चलते हैं, लेकिन इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें किसी भी तरह से इंसुलिन से पीछा छुड़ाना है, क्योंकि इंसुलिन आपके ब्लड शुगर को नीचे डाल देगा, और जितना नीचे जाएगा उतना ही बाउंस बैक करेगा, और वो बाउंस बैक ही आप देखते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर जिसे बोलते हैं, बट दैट डू नॉट गिव द राइट पिक्चर, वो एक मिसलीडिंग पिक्चर देता है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें, यहां पे हैं जय प्रकाश महेश्वरी, हैं यहाँ पे आप हैं, बैठिए बैठिए। जय प्रकाश जी यहां आने से पहले 100 यूनिट इंसुलिन लेते थे, 2.5 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 100 यूनिट हाई माना जाता है, काफी ज्यादा इंसुलिन ले रहे हैं, और 100 यूनिट इंसुलिन लेने के बाद भी इनका फास्टिंग ब्लड शुगर थर्सडे जब आए थे तो 264 था जयप्रकाश जी, और आज 0 यूनिट इंसुलिन लेते हैं, 0 यूनिट, और आज इनका ब्लड शुगर 199 फास्टिंग, 100 से 0 यूनिट पे आ गए 2 दिन में, राइट? तो यहाँ पे एक्चुअली कर क्या रहे हम, व्हाट वी आर डूइंग, पहले इंसुलिन की जरूरत पड़ती थी अब इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्या कर रहे हैं, ये हो कैसे रहा है?
यही चीज मैं आज आपको ट्रेनिंग दूंगा, आपका जो डाइट है, आपकी जो टाइमिंग ऑफ फूड है, सर्कैडियन क्लॉक जिसे बोलते हैं, उसको हमने थोड़ा थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश की। जैसे ही वो करेक्ट करेंगे, जिस प्रकार आप अभी घर पे जाएंगे अपने और घर पे एक वॉल क्लॉक लगा हुआ है, उसी घड़ी को देख के आप सारा कुछ सेट करते हैं दिनचर्या, उसी वॉल क्लॉक को हम बिगाड़ दें, जैसे मैंने कल के लेक्चर में बताया था आपको, तो आपका पूरा दिनचर्या बिगड़ जाएगा। उसी वॉल क्लॉक को ठीक कर दें, घड़ी को, तो आपका जो सर्कैडियन रिदम है, इन दो दिन में हमने ठीक करने की कोशिश किया, नतीजा ये कि आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल में आ गया और इंसुलिन भी छूट गई पूरी तरह से, कहाँ तो 100 यूनिट कहाँ 0 यूनिट, ऊपर से आम भी खाया। और आप याद रखिए, फॉर एग्जांपल कल का दिन भी हमारे पास है, जितना ज़्यादा आप मीठा फल खाएंगे, मैंगो फॉर एग्जांपल, उतनी जल्दी आपका इंसुलिन ब्लड शुगर वाले प्रॉब्लम चली जाएगी, इंसुलिन छूट जाएगा, राइट। तो ऐसा भी कर सकते हैं, जिनको लगता है थोड़ा भी इस बात पे शक या जो ऐसा आजमाना चाहते हैं, तो कल उनका ब्रेकफास्ट में सिर्फ हम आम ही देंगे फिर, है ना। तो आप एक बार हम लिख लेंगे बाद में, तो उनको मैंगो ब्रेकफास्ट देंगे कल, राइट। हम तो वैरायटी कलरफुल लगता है इसलिए 4-5 फल देते हैं, बट याद रखिए घर जाने के बाद आप ढेर सारा मैंगो खाएंगे खाली पेट एज ए ब्रेकफास्ट, जब तक मन ना भरे या जब तक पेट ना भरे, दोनों में से एक, राइट। हाँ हाँ, वो देखिए आम के सीजन में वो तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर, क्योंकि मेरा फेवरेट फ्रूट है, आप में से कई लोगों का होगा, कोई भी फ्रूट कितनी भी क्वांटिटी की रिस्ट्रिक्शन किसी भी बीमारी में किसी को भी नहीं है, ये बात ओवरऑल याद रखिए। कोई भी फ्रूट, कोई भी इंसान किसी भी बीमारी में कितनी भी क्वांटिटी में खाएंगे तो फायदा ही है, नुकसान नहीं है, राइट। बॉटम लाइन ये है, फिर वो किसी के लिए आम हो सकता है, किसी के लिए चीकू हो सकता है, किसी के लिए अंगूर हो सकता है, किसी के लिए केले हो सकते हैं। अगर आप कभी ये सवाल पूछते हैं ये फ्रूट खाएं कि नहीं खाएं, तो मेरा जवाब पहले से ये है कि वो खाएं। अच्छा कितना खाएं, तो जवाब ये, जब तक मन ना भरे। अच्छा कब खाएं, उस पर मैं आने वाला हूँ थोड़ी देर बाद, राइट। तो ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी हैं आप, बैठिए 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 सर बैठिए। ओम प्रकाश जी जब आप आए थे तो 39 यूनिट इंसुलिन पे थे, और आज 39 से अगले दो दिन में 0 यूनिट इंसुलिन पे आ चुके हैं, 0, राइट। इसके अलावा आपकी नींद अच्छी होगी ऐसा बोला, एनर्जी लेवल बढ़ गया, आपका वेट 1 kg घटा है, 83.7 से 82.6। 1 kg वेट घटना ठीक ही है आपके लिए, थोड़ा वेट घटेगा तो ठीक है, नुकसान नहीं है। ये जो है आगे कैसे मेंटेन करें, इस पर हम आएंगे, आज का दिन तो वो है ही। दिलीप, दिलीप आप है ना, 42 यूनिट इंसुलिन था आपका, और 42 से लेके 23 यूनिट इंसुलिन पे आ गए, लगभग आधा तो छूट ही गया आपका। जब आए थे तब 130 आपका फास्टिंग ब्लड शुगर था, आज आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 128 है। फास्टिंग लगभग सेम रहा, लेकिन इंसुलिन की रिक्वायरमेंट आधी हो गई, तो ये अच्छी बात है। निर्मला बेन आप है, इधर हैं, 15 साल से आप इंसुलिन लेते, 15 ईयर्स 45 यूनिट इंसुलिन लेते थे, और तब 180 फास्टिंग ब्लड शुगर था जब आए, 45 यूनिट से 16 यूनिट इंसुलिन पे आ गए, और आज का फास्टिंग 99 ही है, राइट। तो अच्छी बात है। आपकी नींद भी अच्छी हो गई, एनर्जी लेवल भी अच्छा है, और जैसा आपने आज बताया है। राजू दास आप हैं, राजू 2 साल से आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, 14 यूनिट इंसुलिन लेते थे, आज आपका इंसुलिन 14 से 2 दिन में 0 पे आ गया, 0 पे। जब आप आए थे तो 214 यूनिट आपका फास्टिंग था, अभी आपका 220 फास्टिंग है। तो फास्टिंग ब्लड शुगर लगभग सेम है, लेकिन इंसुलिन डिपेंडेंसी 0 हो गई, ये अच्छी बात है, राइट। बल्कि मैं बोल रहा हूँ 10% ब्लड शुगर ज़्यादा भी हो कोई दिक्कत नहीं, इंसुलिन फ्री होना चाहिए। और जिस तरह के रिजीम में अभी हैं 2 दिन से, कल इससे भी बेटर होगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होता है। अभी 2 ही दिन है, 2 दिन की जगह 2 हफ्ते भी लगे तो हमको इतनी भी जल्दी में नहीं है, है ना। तो बॉल मूवमेंट भी आपका क्लियर हो गया, एनर्जी लेवल भी आपकी अच्छी हो गई, ऐसा भी आपने बोला है। सुजीत भट्ट, सुजीत भट्ट हैं यहाँ पे, आ रहे हैं ना, अच्छा। 20 साल से इंसुलिन पे थे, दवाइयों पे थे, 20 years 2 decades, और अब 66 यूनिट इंसुलिन लेते थे, 66 यूनिट इंसुलिन जब आए थे 149 वॉज योर फास्टिंग ब्लड शुगर, आज
141 फास्टिंग ब्लड शुगर है, जबकि इंसुलिन 66 यूनिट से जीरो यूनिट आ गया, जीरो यूनिट विदाउट। नींद अच्छी हो गई, बॉडी पेन था उनको, उसमें भी रिलीफ मिल गया, मतलब एक ही तीर से कई निशाने लग गए। अब देखिए ये तो है जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स, उनकी जिनकी इंप्रूवमेंट है उनका ये कहानी। कोई भी जो इंसुलिन पे हैं, जो डायबिटीज की दवाइयों पे हैं, बीपी की दवाइयों पे हैं, जब इस तरह की रिजीम रखेंगे तो हर दिन उनको फर्क दिखेगा ही दिखेगा, एवरी डे। किसी को फर्क ज्यादा दिखेगा, किसी को फर्क थोड़ा दिखेगा, लेकिन हर दिन आप याद रखिए आपके बॉडी में बदलाव आ रहे हैं इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। उमा बोस आप हैं, आप की एनर्जी लेवल अच्छी हो गई है, आपका वेट भी कम हो गया है और आपका ब्लड शुगर भी नॉर्मल हो गया है, एंड आप पहले से अच्छा फील कर रहे हैं ऐसा आपने लिखा है। रविंदर भसीन हैं आप, ओके। तो बॉडी पेन में रिलीफ मिला है, पहले तो बड़ा बहुत ज़्यादा पेन था, पेन असहनीय पेन, लेकिन अभी आप सबके सामने बैठे हैं या दिख ही रहे हैं तो चेहरे से लग नहीं रहा कि असहनीय पेन अभी होगा आपको, तो अच्छी बात है। शुगर रीडिंग पहले शुगर की दवाइयों पे थी और तब 204 आपका ब्लड शुगर था, अब दवाइयां तो बंद हो गई लेकिन 195 ब्लड शुगर है बिना दवाई के। तो आप देखिए कि हम सिर्फ ब्लड शुगर पे काम नहीं कर रहे, सिर्फ इंसुलिन डिपेंडेंसी को नहीं हटा रहे, बॉडी में जो भी चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो बॉडी से बाहर निकलने का जो तरीका है, वो जो आपने पिछले दो दिन में जाने अनजाने जो भी आपने देखा किया उसको ही हम पहचानेंगे एग्जैक्टली आपने क्या किया, कितना कैसे करना है, राइट। तो सिंपल इतना याद रखिए, अगर शुगर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शुगर इफ वी टॉक, कि जब भी कोई बोलता है कि आपका ब्लड शुगर 100 है, 100 mg/dL, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके 1 लीटर खून में 1 ग्राम शुगर है। अगर कोई आपको बोले आपका ब्लड शुगर 200 है, इसका मतलब क्या हुआ? आपके 1 लीटर खून में कितना ग्राम शुगर है? 2 ग्राम। अच्छा, कोई आपको बोले कि आपका ब्लड शुगर रीडिंग 500 आया है, तो आपके 1 लीटर खून में कितना ग्राम शुगर होगा? 5 ग्राम, है ना, 5 ग्राम। 5 ग्राम में से लगभग 3 ग्राम फालतू है, 3 ही ग्राम फालतू हुआ ना, 200 तक तो चल जाएगा, मान लो 200-250 तो चल जाएगा, 3 ग्राम फालतू में, 3 ग्राम, 5 ग्राम कितना होता है? 1 चम्मच, 1 चम्मच 5 ग्राम, 3 ग्राम क्या, आधा चम्मच लगभग, यानी कि आपके 1 लीटर खून से आधा चम्मच शुगर निकाल के बाहर फेंक दो, इतना ही था, आधा चम्मच, राइट। लेकिन आपके बॉडी में, मेरे बॉडी में 5 लीटर खून है, तो पूरे बॉडी में अगर मेरा 500 रीडिंग है तो कितना चम्मच खून एक्स्ट्रा, शुगर एक्स्ट्रा होगा? 2.5 चम्मच एक्स्ट्रा। तो कुल मिला के मामला 2.5 चम्मच का ही तो है, ले देखे कि वो जो 2.5 चम्मच शुगर है उसको ही तो बाहर निकालना है, मामले से ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, राइट। तो जितनी सारी बातें कर रहे हैं, 15-20 साल से आप इंसुलिन ले रहे हैं, दवाइयों पे हैं, सारी मैनेजमेंट कर रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट वो 2.5 चम्मच, वो तब जब 500 ब्लड शुगर रीडिंग हो, वो तो है भी नहीं किसी का आप में से, राइट। तो ये 2.5 चम्मच कैसे निकालेंगे? अच्छा, ये 2.5 चम्मच अभी तक कैसे निकलता था? अभी तक ये 2.5 चम्मच या वॉट एवर एक्स्ट्रा ये ऐसे निकलता था, जब आप दवाई लेती हैं या आज जब दो दिन पहले जब लिया, तो ब्लड से शुगर दवाई निकाल के आपके बॉडी के किसी न किसी और ऑर्गन में छुपा देता था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने इंसुलिन लिया या दवाई ली और ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया, कभी सोचा वो जो एक्सेस शुगर था वो कहाँ भाग गया? वो मैजिकली कहाँ गायब? वो गायब नहीं हुआ, वो बॉडी के अंदर ही है। जिस तरह से किसी भी शहर में जो कूड़ा है वो क्या करते हैं, कूड़ा एक जगह से साफ करके उठा के एक और जगह रख देते हैं, कूड़ा मैजिकली गायब नहीं हो जाता, वो शहर के अंदर ही है, सिर्फ वो रीलोकेट होता है। आपका शुगर इज रीलोकेटेड फ्रॉम द ब्लड टू अदर ऑर्गन। घुटनों में रीलोकेट होता है जहां जगह है, हाथों में रीलोकेट होते हैं हड्डियों के बीच में, तो बोलते हैं हमें ज्वाइंट पेन हो गया, आर्थराइटिस हो गया, तो दोनों बीमारी सेम है। पार्किंसन की किसी को हो जाता है, ब्रेन में रीलोकेट हो जाएगा तो ब्रेन की जो फंक्शनिंग धीरे हो जाएगी, रीलोकेशन ऑफ शुगर। आप सब सिर्फ रीलोकेशन ऑफ शुगर कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या किया? अभी भी रीलोकेट हुआ क्या इन दो दिनों में? अभी रीलोकेट नहीं हुआ, तो अभी क्या हुआ ये आज का मैं बताऊंगा। अब एक्चुअली ये मेटाबोलाइज हुआ, शुगर को खपत कर दिया, उसको जला दिया,
तो जैसे शुगर जलने लगेगा तो बॉडी में जहां जहां वहां से जाने लगेगा तो क्या होगा, पेन कम होने लगेगा, डिस्कम्फर्ट कम होने लगेगा, राइट। दवाइयों से आप शुगर कम करेंगे तो पेन कम नहीं होगा, लेकिन जो आपने अभी किया, आपने शुगर को रीलोकेट ना करके यू बर्न द शुगर, खत्म कर दिया, और ये आपने ये ध्यान रखा कि आगे से शुगर इस तरह से जमे ना। उसके लिए जो भी कुछ किया वो आज मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा। तो फर्क ये है कि जैसे ही बॉडी के शुगर जो रीलोकेट होके इकट्ठा हो रहा था उसको जलाने लगे हम, जो कि आपने पिछले 2-3 दिन में किया डाइट से, तो आपके जो पेरिफेरल प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो दर्द की प्रॉब्लम थी, नींद की प्रॉब्लम थी, पार्किंसन की प्रॉब्लम थी, वो धीरे धीरे वो अपने आप ही कम होने लगेगा या कम होने लगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि शुगर को कम करना है, इंपॉर्टेंट है शुगर को कम कैसे करना चाहते हैं आप, राइट। हमें ब्लड शुगर को ही नहीं कम करना, बॉडी की शुगर को भी कम करना है। सो ये बात हमें समझना होगा कि जितनी बार आप दवाई लेके ब्लड शुगर को कम कर रहे हैं तो ब्लड का शुगर कम हुआ, बॉडी का शुगर उतना ही रहा, सिर्फ बॉडी से ब्लड से उठा के शुगर को कहीं और रीलोकेट कर दिया। जिस तरह से आपके आने से पहले यहां झाड़ू लगी, कूड़ा इकट्ठा हुआ, कूड़ा उठा के मानिए ऐसे कि आपके कुर्सी के नीचे ही छुपा दिया, तो पहली नजर में आपको कूड़ा दिखेगा नहीं, लगेगा सब कुछ साफ है, लेकिन जब थोड़ी देर तक बैठेंगे तो बदबू आएगी, स्मेल आएगी, तो तब पता चलेगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे क्लीन नहीं है, राइट। तो पहली नजर में आप देखते हैं शुगर रीडिंग तो ठीक है, लेकिन आपको डिस्कम्फर्ट है, कोई बोल रहा है मुझे नींद नहीं आती, कोई बोल रहा है मेरे बॉडी पेन है, कोई बोल रहा है मुझे हेडेक है, तो ये सब क्या है कि आपकी बॉडी सिस्टम क्लीन नहीं है। तो वो जो क्लीन करने का जो सिस्टम है, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। सुदीप हल्दर आप हैं, ठीक है। जब आप आए थे तो 232 आपका ब्लड शुगर था और फास्टिंग, और अभी 182 हो गया जबकि आपने दवाइयां छोड़ दी हैं, राइट। तो ये अच्छी बात है। संजय प्रसाद हैं यहाँ पे, आप हैं पीछे, आपका नमनेस है उसमें रिलीफ है जबकि स्वेलिंग अभी भी है जैसा आपने बोला, और आपका जो बाकी पैरामीटर्स हैं दैट इज नॉर्मल। मिथिलेश हैं यहाँ पे, आप हैं मिथिलेश जी, आप जब आए थे तो 318 आपका ब्लड शुगर था, लेकिन अब बिना किसी दवाई के 288, हालांकि 288 भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन चलो हम कोई जल्दी भी नहीं, 2-3 दिन, 4 दिन डाउन द लाइन आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले तक 100 यूनिट वाला का भी 0 आ गया, राइट। लेकिन यहाँ पे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट का भी उतनी जल्दी फर्क नहीं आया, तो किसी का थोड़ा जल्दी आएगा, किसी का थोड़ा देर से आएगा, लेकिन आएगा जरूर सबका, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमें समझना होगा। हजारी पुराना की, हाँ यस, आपकी स्वेलिंग में रिलीफ है, आपके ब्लड शुगर में रिलीफ है, और दवाइयां भी आपकी छूट गई है, दैट इज व्हाट यू हैव सेड, दैट इज व्हाट वी हैव नोटेड। राम गोपाल है यहाँ पे, अच्छा कहीं गए, नवल भाई, यस बेटी, आपका ब्लड शुगर इज नॉर्मल एंड आपका एनर्जी लेवल आपने बोला कि बढ़ गई है। तो देखिए कैसे पता चलेगा कि हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है, जब आपके सिम्टम इम्प्रूव होने लगेंगे। सिम्टम इम्प्रूव हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल एनर्जी लेवल बढ़ गई है, या पेन कम हो गया है, या नींद अच्छी आ गई है, ये सारे सिम्टम्स ठीक हो रहे हैं कि नहीं, इसको डायग्नोस करने का कौन सा मशीन या कौन सा टेस्ट है, कोई भी टेस्ट नहीं है, वो सिर्फ आप ही बताएंगे। मान लो आपको हेडेक है, क्या कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो बता देगा कि हेडेक है या नहीं है? आपको नींद अच्छी आ रही है, क्या कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो बताएगा नींद अच्छी आ रही कि नहीं आ रही? आपने बताया आपकी एनर्जी लेवल अच्छी हो गई है, इज देर एनी डायग्नोस्टिक टेस्ट विच कैन क्लियरली स्टेट? तो ये सब किसको बताना पड़ रहा है? आप ही को बताना पड़ रहा है। तो मेन जो डायग्नोसिस है वो शुगर रीडिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ। अगर आपकी फीलिंग अच्छी हो रही है तो मतलब मान लीजिए कि आप ठीक हो रहे हैं, अगर आपकी फीलिंग अच्छी नहीं है तो शुगर रीडिंग क्या हो, बीपी रीडिंग क्या हो, क्रिएटिनिन लेवल क्या हो, सब कुछ सही होते हुए भी गड़बड़ है कुछ, है ना। ठीक उसी तरह से जिस तरह से सब कुछ यहाँ साफ दिखते हुए भी अगर आपको कहीं से बदबू आ रही है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कूड़ा छुपा हुआ है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो डायग्नोस्टिक उसी पर निर्भर कीजिए जो आपका बॉडी आपको इंडिकेट कर रहा है, वही वाले डायग्नोस्टिक पर अगर निर्भर रहेंगे तो आप कभी
धोखा नहीं खाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई मिसलीडिंग उपचार नहीं होगा। फिर इसके अलावा लक्ष्मी नारायण है यहाँ पे, आप हैं, ठीक है। आपको आपने वॉमिटिंग का रिपोर्ट किया था, लेकिन नाउ यू आर फीलिंग बेटर। देखिए, कोई भी चीज़ अगर बॉडी में है और बॉडी से वो निकल नहीं पा रहा, तो बॉडी के बाहर रास्ता थोड़े से हैं, या तो स्किन के रास्ते बाहर निकलते हैं। हॉट वाटर इमर्शन आपने देखा, हॉट वाटर इमर्शन का मकसद क्या है कि यूरिन के रास्ते, किडनी के रास्ते नहीं निकल पा रहा, तो स्किन के रास्ते निकालना है, या फिर बॉडी खुद ही उल्टी तो ये एक रास्ता है, या स्टूल पास करें ये एक रास्ता है, लूज मोशन वगैरह। तो जो भी चीज़ बॉडी में नहीं रखना चाहते, या जो भी चीज़ बॉडी में नहीं रहना चाहता होना चाहिए, वो सब कुछ बॉडी से बाहर निकालने के तीन चार रास्ते हैं। आइदर वो रास्ते अपने आप काम करेंगे, या फिर हम कोई ना कोई ऐसी मैकेनिज्म निकालें कि वो एक्टिवेट हो जाए। तो अगर तो वॉमिटिंग हो रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो बॉडी में नहीं होना चाहिए। तो कभी भी हमें वॉमिटिंग को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, यानी कि बॉडी में जो चीज़ नहीं चाहिए वो आप बॉडी के अंदर ठूसने की कोशिश कर रहे हैं। वी शुड नॉट डू इट। अगर वो अपने आप ही कम हो रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, फील बेटर कर रहे हैं, दिस मीन्स द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड, है ना। जसविंदर, जसविंदर हाँ बैठी बैठी, आप जब आए थे तब आपका ब्लड शुगर 267 था, आज आपका ब्लड शुगर 227 है, 267 से 27 थोड़ा सा ब्लड शुगर इंप्रूवमेंट है। हालांकि पहले भी मेडिसिन नहीं ले रहे थे, आज भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो बॉडी पेन है उसमें आपको रिलीफ है, बॉडी पेन में रिलीफ। एक बात याद रखिए, आप जो शुगर के पेशेंट नहीं है, जो बॉडी पेन के पेशेंट हैं, तो बॉडी पेन क्यों होता है, दैट इज ए इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, जॉइंट पेन क्यों होता है, जहां जहां पे शुगर डिपॉजिट रहता है, और जो आप अभी कर रहे हैं उसको वहां से निकाल के उसको बर्न कर रहे हैं। तो किसी को लाभ इस फॉर्म में मिलेगा कि उसको पेन रिड्यूस हो गया, किसी को लाभ इस फॉर्म में मिलेगा कि उसकी इंसुलिन छूट गई, लेकिन अल्टीमेटली एक ही चीज हो रही है कि बॉडी में जहां जहां एक्सेस शुगर डिपॉजिट है उसको हम निकाल रहे हैं। अगर वो ब्लड में छुपा है तो ब्लड से निकालेंगे तो आपका इंसुलिन डिपेंडेंसी कम हो रही है। अगर बॉडी किसी और भाग में छुपा है वहां से निकालेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ पेन रिडक्शन हो गया, ऐसा कुछ आप बोलेंगे, राइट। तो आप समझिए कि अलग अलग हम सबका, आप सबका जो बेसिक तीन दिन दो दिन में जो हमने डाइट था सबका सेम ही था, लेकिन बीमारी अलग थी और आपके नतीजे भी अलग हैं। तो लेकिन बॉडी का एक ही मैकेनिज्म एक्टिवेट कर रहे हैं, द थिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन द बॉडी उसको बॉडी से बाहर कर दो, है ना। हरविंदर, हरजिंदर जी, अच्छा आपका पहले दवाइयां लेते थे, अब दवाई नहीं लेते हैं, तो ब्लड शुगर दवाइयों से नॉर्मल था 134 जब आए थे, अब बिना दवाई के नॉर्मल है 122। तो बेटर तो यही है ना कि बिना दवाई के नॉर्मल रहे, रात दिन दवाइयों के नॉर्मल रहे, क्योंकि जब दवाइयों के नॉर्मल रहता है तो वो कैसे नॉर्मल रहता है, मैंने आपको बताया रीलोकेशन। बिना दवाई के नॉर्मल है तो कैसे, मेटाबोलाइज होके, है ना। मेटाबोलाइज मतलब उसको यूज कर लिया गया है, है ना, उसकी खपत हो चुकी है। कर्नल जंग बहादुर जी, यस, आप जब आए थे 131 था ब्लड शुगर, अब आपका 95 ब्लड शुगर हो गया और दवाइयां भी आपकी छूट गई, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हो गया, राइट, ग्रेट। हमारे पूरे इस ग्रुप में जो सबसे ओल्डेस्ट पार्टिसिपेंट हैं वो भी जंग बहादुर जी हैं, राइट, आप ही 77 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पे नॉर्मली आई डोंट से हमें आपको ये बोलने की जरूरत नहीं कि हम पेशेंट हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो जो पेशेंट इज जस्ट अ नंबर। दो दिन के अंदर दवाई छूट गई, वो सिम्टम चले गए, तो क्या बोलेंगे आप, पेशेंट नहीं रहे आप। इट इज़ ए ट्रांजिशन, आपके बॉडी में कुछ ना कुछ एक्सेस है, उसको उठा के बाहर फेंकने का एक प्रोसेस है, वो आपने कर दिया तो बात बन गई। वो जब तक नहीं करेंगे, चाहे वो आप में से कई लोगों के लिए दो डेकेड 20 साल तक नहीं करेंगे, तब तक आपको दर्द होगा, तब तक आपको दिक्कत होगी। लेकिन 20 साल तक वो ठीक नहीं हुए तो उसको ठीक होने के लिए अगले 20 साल लगेंगे, कोई जरूरी नहीं है, वो दो दिन भी काफी है अगर आप सही ढंग से करेंगे। किसी के लिए दो दिन हो सकता है, किसी के लिए दो दिन से अधिक हो सकता है। आप में से कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो यहाँ पे पहले से ही एडमिट थे या एडमिट हैं,
अब मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, 2 दिन में ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। ज़्यादा टाइम जब लगता है तो सोचते हैं यहीं हम रहते हैं, जब तक ठीक होंगे तभी जाएंगे, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका कि यहाँ पर हम सीख लेते हैं, आधा हम ठीक हो चुके हैं बाकी हम घर पर ठीक होंगे, ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। एक तो घर पर रहने को मिल रहा है, इतना खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा आपको, और क्या है कि ये एक लाइफ स्टाइल है, इस लाइफ स्टाइल को जब तक पकड़ के रखेंगे तब तक यू आर हेल्दी, जिस दिन आप छोड़ देंगे उस दिन यू स्टार्ट गेटिंग सिक। और ये आपके लिए, दुनिया के हर इंसान के लिए ट्रू है, इसीलिए आप देखेंगे ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जो 40 से पार हो गया होगा और वो बीमार नहीं होगा, कोई भी नहीं है। अगर कोई बीमार नहीं है तो जाने अनजाने वो ऐसा ही कुछ कर रहा होगा जो आपने पिछले 2 दिन में किया है, जो आने वाले दिनों में करने वाले, जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अनीता देवी है यहाँ पे, वो पीछे बैठी हैं, बिल्कुल पीछे बैठी हैं, ओके। अनीता जी यहाँ पे एडमिट थी 23rd ऑफ दिस मंथ, और इनको ब्लीडिंग थी बहुत ज़्यादा, स्टूल से ब्लीडिंग और वीकनेस था, लेकिन अब इनकी ब्लीडिंग बंद हो गई है। यानी कि ब्लीडिंग की जो भी वजह रही होगी, वो इन्फ्लेमेशन हो सकता है, वो घाव हो सकता है, वो अल्सर हो सकता है, उसका नाम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार का डाइट आपने लिया वो क्या करता है, वो हील करने लगता है। एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, जिनको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की आदत हो या शौक हो। मान लो आपके हाथ कहीं कट जाता है, कट गया तो आप उसमें डेटॉल लगाते हैं तो जलता है काफ़ी, दिमाग में क्या बिठा रखा, जितना जलेगा उतनी जल्दी ठीक होगा, है ना। अब आप एक्सपेरिमेंट के लिए 2 यहाँ भी काटिए, यहाँ पे अगर एक्सपेरिमेंट ही करना है, एक जगह डेटॉल वगैरह जो भी लगाना लगाइए, दूसरी जगह पे कोई भी वेजिटेबल का जूस, पालक का जूस, चुकंदर का जूस निकाल के आप लगाइए। पहली बात आप ये महसूस करेंगे कि दर्द नहीं हो रहा, जलन नहीं हो रही। दूसरी बात आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि जहाँ पर आपने जूस लगाया था वो बड़ी तेज़ी से ठीक होगा, और वो जो निशान है जो बाद में रह जाता है वो भी बहुत तेज़ी से गायब होगा। तो जो जख्म बाहर जूस ठीक कर रहा है, जब आप उसी तरह के फूड को यानी कि रॉ फूड को खाते हैं या पीते हैं, तो बॉडी में ये पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक में अगर कहीं पे कुछ दिक्कत है, टिल कोलोन, तो वो भी उसी तरह से हील होगा। तो अगर किसी को भी ब्लीडिंग है, स्टूल के खून आ रहा है, तो लगेगा बड़ी भयानक बात है, बहुत ही डेंजरस बात है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि जब खून आ रहा है तो उसे रोकने के लिए आपको वहां तक मेडिसिन पहुंचाना है, और मेडिसिन क्या है, मेडिसिन है जो आप इन दोनों दिनों में खा रहे हैं, दैट इज द मेडिसिन। ये जो मेडिसिन आपने पहुंचाया, ये मेडिसिन पहुंचाने से कैसे पता चलेगा कि आप ठीक हो गए, उसको पता चलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि क्या आपकी ब्लीडिंग बंद हो गई है, क्या आपका पेन खत्म हो गया है। अगर तो ब्लीडिंग बंद हो गई है तो क्या होगा, पेन भी खत्म हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। पता करने के लिए इसके आगे अगर आप कुछ और करेंगे डायग्नोस्टिकली, जैसे एंडोस्कोपी कराएंगे, तो एंडोस्कोपी क्या करता है, कोलोनोस्कोपी कराएंगे तो वो क्या करता है, दोबारा से उसको छील देता है, दोबारा छीलेंगे तो दोबारा से खून आएगा, राइट। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ लगातार कि द ओनली वे टू डायग्नोसिस, जो सिम्टम थे जिसकी वजह से मेरा दिनचर्या या मेरा डे टू डे लाइफ की जो रूटीन खराब हो रही थी, क्या वो सिम्टम मेरे चले गए। अगर तो वो सिम्टम चले गए, दिस मीन्स आप ठीक हो गए, राइट। सिम्टम चले गए मीन्स यू आर ओके। अब देखिए यहाँ पे अशोक कुमार, अशोक कुमार हैं आप, हैं यहाँ पे अशोक कुमार, यहाँ 24 तारीख से आप यहाँ पे भर्ती हैं। जब आए थे आपका 26 यूनिट इंसुलिन पे आए थे, लेकिन आज 0 यूनिट इंसुलिन, नो इंसुलिन एट ऑल। सो 24 तारीख से हैं, कुछ लोग 25 तारीख से हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे बंद हो रहा है, एकदम बंद हो रहा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो खपत है हमारी बॉडी की शुगर की, वो मेटाबोलाइज होना चाहिए, ना कि रीलोकेट होना चाहिए। चंचल रानी है यहाँ पे, पीछे बैठी हैं। आप डायलिसिस की पेशेंट थी, हफ्ते में 3 डायलिसिस चलता था, डायलिसिस हफ्ते में 3। डायलिसिस क्या होता है, एक मिनट में समझा दूं, हमारे बॉडी को, आपके बॉडी को जो भी चीज़ चाहिए नहीं, चाहे वो एक्सेस क्रिएटिनिन हो, चाहे एक्सेस यूरिक एसिड हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो शुगर हो, कई सारे ऐसी चीज़ें जो बॉडी को नहीं चाहिए। अब
तो वो यूरिन के रास्ते किडनी फिल्टर करके उसको बाहर निकाल देती है, और वो ऑटोमेटिक हम सबका होता रहता है। लेकिन हम में से कुछ लोगों का किसी वजह से, सबसे नंबर वन वजह तो है दवाइयाँ जो हमारे किडनी को काम नहीं करने देती, उसको फेल कर देती है। तो जो एक्सेस अनवांटेड मटेरियल है वो बॉडी में जमा होने लगता है, वो पेशाब के रास्ते नहीं निकल पाता, और जब ज़्यादा जमा होने लगेगा तो गुब्बारे की तरह हमारी बॉडी फूलने लगेगी, और गुब्बारे की भी एक फूलने की लिमिट होती है, ज़्यादा हवा भरेंगे तो फटेगा ही, इंसान की डेथ हो जाती है। तो ऐसे में फिर डॉक्टर बोलते हैं क्या करना है, डायलिसिस कराओ। डायलिसिस मतलब कि बॉडी के अंदर जो नहीं चाहिए वो बॉडी से खून सारा रीफिल्टर करते हैं मशीन के माध्यम से, और वो हर दो दिन बाद करना है, यानी कि हफ्ते में तीन बार करना है। तो ये तो हुआ, तो हफ्ते में तीन बार करना है कब तक करना है, ज़िंदगी भर करना है। तो ज़िंदगी भर मतलब एवरी ऑल्टरनेट डे, आज छोड़ के कल, कल छोड़ के परसों, ऐसे करते रहेंगे। तो ऐसे में ऐसे जो पेशेंट हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनकी हर बार याद रखिए जितनी बार डायलिसिस करेंगे उतनी बार जो बचा कुचा किडनी है वो और भी कमज़ोर होता जाएगा। जितनी बार डायलिसिस, सेम जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट के लिए, जितना ज़्यादा इंसुलिन लेंगे अगले दिन वो उतना बाउंस बैक करेगा, अभी मैंने आपको डॉनफिनोन बताया। सेम इज़ इन द केस ऑफ डायलिसिस पेशेंट, डायलिसिस से आपकी किडनी 1% राइट धीरे 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 और ख़त्म होती जाएगी हर दिन, यानी कि हर दिन आप डायलिसिस करा रहे हैं, यूं मानिए कि हर दिन आप अपनी किडनी को फेल कराने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा, है ना। तो उसकी जगह पे यहाँ पे जो डाइट है और प्लस हॉट वाटर इमर्शन बड़ा सिंपल है, आप में से कई लोगों ने कल समझा होगा कि गर्म पानी में जब हम बैठते हैं तो आपके बॉडी का जो तीसरा किडनी है योर स्किन, आपका स्किन भी एक किडनी की तरह काम करता है। आप पेशाब का एक ड्रॉप लीजिए और अपने पसीने का एक ड्रॉप लीजिए, दोनों को केमिकल एनालिसिस करेंगे तो दोनों में जो केमिकल टेस्ट में जो मिलेंगे मटेरियल वो सब सेम मिलेगा, दोनों में क्रिएटिनिन मिलेगा, दोनों में प्रोटीन मिलेगा, दोनों में शुगर मिलेगा, दोनों में यूरिक एसिड यूरिया मिलेगा, दोनों का कंपोजिशन लगभग सेम होगा, यानी कि आपका स्किन वही काम करता है जो आपका किडनी काम करता है। तो जब आप हॉट वाटर में बैठते हैं तो आपका स्किन के जो पोर्स है वो ओपन अप होते हैं और आपके स्किन के रास्ते से वो चीज़ निकल सकती है जो अदरवाइज यूरिन से पास नहीं हो रही। तो जब ऐसा करेंगे तो आपके किडनी पे जो बोझ है वो और कम होने लगेगा, तो किडनी को मौका मिल जाएगा रिवाइव करने का। जब ऐसा कुछ दिन तक करते रहेंगे तो किडनी भी रिवाइव हो रही है, तो एक तो डायलिसिस बंद हो जाएगा। तो बात अभी कर रहे थे इस पेशेंट की, तो 18 मई से लेके आज कितना तारीख है, 27, यानी पिछले 10 दिन से आपकी डायलिसिस बंद है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात, हम में से कुछ पेशेंट्स हैं यहाँ पे जो किडनी के पेशेंट्स हैं, तो उनको कुछ चीज़ें मैं आज बताऊंगा, कुछ चीज़ें कल बताऊंगा। याद रखिए आपकी किडनी फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है, ये कैसे पता चलेगा हमें, हाउ वी विल नो हमारी किडनी ढंग से फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। क्रॉनिक किडनी डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलता है, जो एक तो होता है KFT, राइट, KFT रिपोर्ट ले आओ, राइट, किडनी फंक्शन टेस्ट, उसमें बोलते हैं कि क्रिएटिनिन उसको जब 2 से ऊपर किसी को दिख गया 2 point something तो मतलब किडनी फंक्शन नहीं कर रही है। तो क्रिएटिनिन जो है वो कोई आपका दुश्मन नहीं है, जब भी आपको फीवर होगा इन्फेक्शन होगा तो आप सबका इंक्लूडिंग मी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा, आपके बॉडी को का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी किडनी फंक्शनिंग ख़त्म हो गई है। दूसरा, जो लोग मीट खाते हैं वो एक्सपेरिमेंट करके देख लें, क्रिएटिनिन अभी चेक कराएं, खूब सारा रेड मीट खाएं फिर चेक कराएं, क्रिएटिनिन एकदम बढ़ जाएगा 1 unit। तो क्या आपकी किडनी फंक्शन खराब हो गई है, नहीं, आप जो खाना खा रहे हैं उसी का रिफ्लेक्शन है आपका क्रिएटिनिन। तीसरा, जो बॉडी बिल्डर होते हैं जिनके मसल्स बनते हैं टूटते हैं उनका क्रिएटिनिन हमेशा हाई रहता है, तो मसल खराब है क्या, नहीं है, राइट। चौथा, आप में से वो लोग जो दवाइयों पे हैं स्टेरॉइड्स पे हैं, तो स्टेरॉइड्स क्या करती है, स्टेरॉइड्स आपके बॉडी को खराब असर करती है, तब क्रिएटिनिन बॉडी का बढ़ा देती है बॉडी, ताकि वो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है एक। पांचवा, कभी कभी किडनी फंक्शन प्रॉपर ना हो तो जो क्रिएटिनिन बॉडी को चाहिए वो बॉडी से बाहर फिल्टर नहीं हो पाता तो भी क्रिएटिनिन ज़्यादा होता है, यानी कि 5 में से 1 वजह ज़रूर है कि आपकी किडनी फंक्शन नहीं कर रही, बाकी 4 वजह कुछ और भी है,
तो क्रिएटिनिन, मैं और भी डिटेल में कल बताऊंगा, क्रिएटिनिन इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ योर किडनी फंक्शन टेस्ट. तो मेजरमेंट क्या है? पहला, जब कोई किडनी पेशेंट से मैं मिलता हूँ तो मैं उसको देखता हूँ, आप भी देखिए उसके हाथ और पैर देखिए. हाथ और पैर में अगर अपेरेंटली कोई सूजन नहीं है तो यानी कि ये किडनी पेशेंट होने की संभावना कम है. सूजन होगी क्योंकि बॉडी में चीज़ें इकट्ठा होती जा रही हैं, तो हाथ पैर चेहरा ध्यान से देखेंगे तो सूजन दिखेगा एपरेंट. ऐसे नहीं कि लेंस लेके देखने की जरूरत है. अगर आप यूं ही देखेंगे और सूजन दिख गया तो है पहला. अब जब सामने वो पेशेंट आई गया तो पूछेंगे कि आपका यूरिन आउटपुट क्या है, पेशाब कितना आता है. अगर वो आधे लीटर से कम बोल रहा है तो हो सकता है किडनी की दिक्कत हो, आधे लीटर से कम. तो ये तो आप खुद ही टेस्ट एक दिन 24 घंटे में कितना पेशाब आ रहा है वो देख लीजिए. अब जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर बोलते हैं कि पानी कम पियो. अब पानी कम पीने से पेशाब कम आएगा कि ज़्यादा आएगा? कम ही आएगा ना. तो पानी आपका दुश्मन नहीं है. जिन चीज़ों से आप ठीक हो सकते हैं उन्हीं चीज़ों को बंद करा दिया. आपने देखा इन दो दिन में और कल भी देखेंगे, आपने मैंगो खाए और फल खाए, केले खाए, अंगूर खाए, खाए कि नहीं खाए? तो हुआ क्या, आपकी इंसुलिन छूट गई, राइट? लेकिन आप में से वही लोग आप बोलेंगे कि 15 साल तक आपने किसी ने मैंगो नहीं खाया क्योंकि डॉक्टर ने बोला, तो क्या ठीक हो गए? जो चीज़ आपको ठीक कर सकती है, जैसे स्वीट फ्रूट्स कैन क्योर योर डायबिटीज़, तो उसी को बंद कर दिया. कोकोनट वाटर कैन क्योर किडनी पेशेंट, तो कोकोनट वाटर बंद कर दिया. तो पानी कम पिएंगे तो कम पेशाब आएगा. पानी ज़्यादा पीने के बाद भी कम पेशाब आए, इसका मतलब यह है कि किडनी फंक्शन में गड़बड़ है. ये दूसरा. तीसरा, ब्लड प्रेशर. दवाइयों के बावजूद भी ब्लड प्रेशर का 200 से ऊपर पार करता है सिस्टोलिक, यानी कि किडनी कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है. ये तीसरा. ये चौथा, इन सब के साथ जुड़ा हुआ कमजोरी, एक्सट्रीम वीकनेस है पेशेंट को, और साथ में उल्टी भी हो रही है पेशेंट को, तो फिर लगता है कि शायद ये किडनी के फंक्शन के पेशेंट भी हों. लेकिन सिर्फ क्रिएटिनिन के भरोसे अगर आपने डायलिसिस शुरू कर दिया तो डायलिसिस इटसेल्फ धीरे धीरे किडनी को खराब करेगी और फिर ट्रू पेशेंट बन जाएंगे फॉल्स पेशेंट से, राइट? तो अभी 10 दिन से आप की डायलिसिस नहीं हुई है, नज़र हमारी डॉक्टर्स ने बनाया हुआ है. और नॉर्मली हम ये देखते हैं जो लोग हफ्ते में 3 डायलिसिस करते हैं, धीरे धीरे उनका हफ्ते में 1 रह जाता है, फिर 10 दिन में 1 रह जाता है, फिर 15 दिन में 1 रहता है, फिर धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है. लेकिन ये इसमें भी निर्भर करता है कि आप कितना जो चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं घर पे भी कर पा रहे हैं कि नहीं. हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टिल्ट, उसके बारे में डिटेल में हम बताएंगे. आपका धारा ऐसा कोई है? आप हैं, ओके, ठीक है, आप ही कहिए. आपका नेक में स्वेलिंग था जब आप आए थे और अब स्वेलिंग काफ़ी कम हो गया है, ये आपकी उपलब्धि है. तो स्वेलिंग क्या है? ये एक सिम्टम है जो आप खुद देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो जो आधार बन सकता है कि आप ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं. मोहम्मद अनुवरुल, आप है ना पीछे, ठीक है. आप जब आए थे 21 मई को तब तो इंसुलिन ले रहे थे 10 यूनिट, लेकिन अब 0 यूनिट पे इंसुलिन पे हैं, यानी इंसुलिन खत्म हो गई. बीपी की दवाई भी इनकी कम हो गई. तो 21 से लेके आज एक हफ्ते में इन्होंने ये हासिल किया. किसी ने 2 दिन में हासिल किया, किसी ने थोड़े, हो सकता है किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए. लेकिन ये सारी चीज़ें हमें हिम्मत देती हैं कि जैसे बाकियों का रिजल्ट आया, जिनका नहीं भी आ रहा है उनको भी धीरे धीरे यही करते रहेंगे तो हर दिन रिजल्ट मिलेगा. पूनम जो आईपीडी जो एडमिट थी, पूनम है यहाँ पे, आप पीछे बिल्कुल, ठीक है. आपका बेसिक था पेन जिसके लिए आए थे, अब पेन में आपको रिलीफ है जैसा आप बोल रहे हैं. देखिए, पेन में रिलीफ 2 तरह से मिल सकता है. जैसे यहाँ पे आपके चेयर के नीचे कूड़ा डाल दें और बदबू आए, इस बदबू से छुटकारा 2 तरह से पा सकते हैं. जो नीचे कचरा है उसको हटा के बाहर फेंक दें तो बदबू चली जाएगी, या फिर हम स्प्रे करके आपको परफ्यूम लगा दें तो भी बदबू चली जाएगी. जब पेन को आप दवा से पेन रिलीफ करते हैं तो इट इज़ लाइक स्प्रे परफ्यूम छिड़कना, समझ रहे हैं आप? मतलब ये कि रियल जो कॉज है पेन का वो वहीं रह गया. अगर मैं यहाँ पे कूड़ा है लेकिन मैंने स्प्रे कर दिया परफ्यूम, तो आपको कूड़े की बदबू नहीं आएगी, लेकिन कूड़ा तो अभी भी है, राइट?
तो यही फर्क है जब आप अपने लाइफस्टाइल को बदल के ठीक हो रहे हैं, पेन रिलीफ मिल रहा है, इन कंपैरिजन टू जब दवा लेके पेन रिलीफ मिल रहा है। इन दोनों को समझिए। दवा क्या है कि वो जो उस परफ्यूम की तरह काम करता है जो आपको एहसास नहीं होने देता कि पेन है और पेन की एक वजह है। और अभी जब आपको पेन रिलीफ मिल गया आपके केस में, पूनम जी आपके केस में, इसका मतलब पेन की जो वजह थी, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, घाव हो सकता है, अल्सर हो सकता है, जो भी वजह थी वो वजह, या ट्यूमरस ग्रोथ हो सकता है, वो जो भी वजह थी वो वजह ठीक हो रही है, तो वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ परमानेंट क्योर। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग है पेशेंट, संगीता जैन है क्या यहाँ पे? संगीता जैन आप हैं, ठीक है, बैठिए संगीता जी, बैठिए। ये आपका थायराइड जो था 22.7 था थायराइड ना, और 22 था आपका थायराइड, और एक साल से आप डाइट पे हैं, अभी आपका थायराइड नॉर्मल हो गया है 7.5 है ना, तो अच्छी बात है। आप दो दिन में क्या फर्क पड़ता है ऐसे भी पेशेंट देखे, एक हफ्ते में क्या फर्क है ऐसे वाले पेशेंट भी हैं, एक साल में क्या कैसे फर्क है वो वाले पेशेंट भी हैं। तो ठीक करना हमें और फिर ठीक रहना भी है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यही है कि यहाँ पे हर तरह के हम एग्जाम्पल, जिससे हमारा विश्वास बढ़ सकता है कि यही तरीका है ठीक रहने का। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र हैं नहीं है यहाँ पे, कहाँ पे हैं? अच्छा यहाँ पे, ओके, आप आईपीडी यहाँ एडमिट है, ओके, आप एडमिट हैं और आप बहुत ज़्यादा पेन, इतना पेन कि दिन में 4 बार मॉर्फीन लेना पड़ता था, राइट? अब वो 4 बार से रिड्यूस होके 2 बार पे तो आ गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ अगले एक आध दिन में 2 बार से रिड्यूस होके 0 पे आ जाए, राइट? 4 से 2 पे आ गया कि 2 से काम चल रहा है, यानी कि आधा इनकी दिक्कतें कम हो गई हैं और आधा और भी कम हो जाएगी, राइट? वीरेंद्र जी आप कब आए, एडमिट हुए यहाँ पे? 15 तारीख को, बैठी बैठी, 15th को, आज 27 है, 2 हफ्ते तो हो ही गए, राइट? तो यहाँ पे आप वैरायटी देख रहे हैं कि रिजल्ट कई बार एकदम से दिखाई दे रहा है, कई बार अपेरेंटली उतनी जल्दी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि रिजल्ट दिखाई दे रहा है, राइट? रिजल्ट दवाइयों से कभी नहीं आ सकती, ये तो पक्का ही है, क्योंकि दवाइयों का मैकेनिज्म वही वाला होता है कि परफ्यूम छिड़क देना, रियल कॉज पे काम करना नहीं होता है। यहाँ पे खुशानंद भट्ट हैं क्या? आप हैं ना, CKD है आपका, पेसमेकर भी लगा हुआ है, आपकी भी मेडिसिन रिड्यूस हो गई है, एक ही मेडिसिन रह गई, पहले कई सारी मेडिसिन थी, 5-6 मेडिसिन यहाँ देख रहे हैं, 4-5 मेडिसिन, एक मेडिसिन ही रह गई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे ये भी छूट जाएगी। जैसे जैसे आपके पैरामीटर कम होने लगते हैं, जैसे जैसे आपका आपका पेन कम होने लगता है, तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप ही दवाइयाँ आप छोड़ते रहते हैं, छूटती रहती है। तो ये सारे कुछ उपलब्धियाँ हैं जो आपने देखा पिछले 2 दिन के, पिछले 2 हफ्ते के, पिछले 1 साल के, अलग अलग। और आगे हमें क्या करना है, पहले तो मैं आप में से काफ़ी लोगों के सवाल हैं वो सवाल लेता हूँ, सवालों में ही आपको कुछ ना कुछ जवाब मिलने वाला है कि आगे क्या करना है। देखिए, एक सवाल आप में से कई लोगों ने सवाल कॉमनली पूछे हैं, कई लोगों ने सेम सवाल पूछा है, उनमें से नाम सभी के ना लेके एक आध के नाम लेके फिर मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा, ताकि इस टाइम को हम बेहतर यूज करें। विनीता नागपुर से हैं यहाँ पे, आप पीछे बैठे ना, ठीक है, आपका सवाल है घुटने में गैप है, घुटने का दर्द है, ज़्यादा चला नहीं जा सकता है। देखिए, घुटने का गैप या घुटने का दर्द, ये दोनों एक ही बात है। डॉक्टर बोले वो गैप आ गया है, नी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, बिल्कुल मत सुनिए, जो आज मैं आपको बताऊंगा वो आप कीजिए, ऑलरेडी आप करना शुरू कर चुके हैं 2 दिन से, लेकिन वो क्या एग्जैक्टली कर रहे हैं वो आपको सिखाऊंगा, ताकि आप घर पे भी वो करें। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब दर्द हो घुटने में तो आप अभी फिलहाल अगले 10-15 दिन के लिए उतना ही अपने घुटने का इस्तेमाल कीजिए जितना बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्द के बावजूद भी नहीं चलना है, चाहे थोड़ा सपोर्ट लेके चलिए फिलहाल, और साथ ही साथ जब आप इस तरह के रिजीम में हैं, चाहे वो पंचकर्मा के माध्यम से, चाहे वो डाइट के माध्यम से, धीरे 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 आप इम्प्रूव होंगे, धीरे धीरे पेन कम होगा, लेकिन पेन चला जाएगा, पेन काफ़ी लोगों में चला गया तो आपका भी चला जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे आप में से पेशेंट हैं जिनको अलग अलग तरह के दर्द हैं,
और उस जैसे ये है रिलिका, रिलिका है कोई यहाँ पे? आप हैं, आपने साइटिका का पेन आपने बताया है, तो आपका पेन का सवाल का जवाब और आपके पेन के सवाल का जवाब मेरा एक ही है। आप दोनों ही देखेंगे नाम दोनों के पेन के अलग अलग हैं, जगह पेन की अलग अलग है, लेकिन दोनों के पेन की वजह कॉमन है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को हिंदी में बोले तो घाव। घाव कैसे होगा? अगर आपको ये देखना हो, घाव करना हो, तो कहीं भी छिल जाए, कट जाए, तो आप क्या कीजिए, ग्लूकोज लीजिए या जो चीनी है उसको घोल के आप वहाँ डाल दीजिए, आप देखेंगे वो घाव कभी भरेगा ही नहीं, वो घाव और ज़्यादा गहरा होता जाएगा। जो चीज़ बाहर आपको दिख रही है वही बॉडी के अंदर होता है। तो हम यही कर रहे हैं कि जो एक्सेस शुगर है बॉडी का वो हटा रहे हैं। तो आप दोनों का सवाल का जवाब एक ही है कि आपको वही करना जो हमने बताया, और जब तक पेन है तब तक पेन के बावजूद कुछ नहीं करना है, पेन के साथ मिनिमाइज्ड काम करना है। 15-20 दिन की बात है, जैसे जैसे पेन कम होगा वैसे वैसे आप अपने एक्टिविटी को बढ़ाइए। संगीता जैन है यहाँ पे, संगीता जैन, हॉट बकेट थेरेपी में कितने डिग्री टेम्परेचर ले सकते हैं? 104 डिग्री पर ले सकते हैं क्या? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ हाँ हाँ, फीवर अगर है तो बैठे 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 देखिए बैठी बैठी बैठिए फीवर क्या होता है आप समझ लीजिए। ये जो वीडियो हो रहा है ना, ये आपको भेज भी देंगे, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं, कहीं आप भूल ना जाएं, इसलिए आपको भेजेंगे भी। फीवर इज नॉट योर एनिमी, ये तो पता है आपको। जब भी आपके बॉडी में इन्फेक्शन होता है, याद रखिए हायर टेम्परेचर में वायरस बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो बॉडी का पहला हथियार है कि अपने टेम्परेचर बढ़ा दो, ताकि बैक्टीरिया वायरस जो भी वो मर जाए अपने आप ही। तो 104 डिग्री टेम्परेचर आ गया, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया टेम्परेचर। तो अभी भी अगर वायरस नहीं मरेगा तो बॉडी टेम्परेचर को और बढ़ाएगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता जाएगा उतना आपके बॉडी की ईंधन ऊर्जा इस्तेमाल होगी, जितना इस्तेमाल होगा उतना आप कमज़ोर फील होते रहेंगे। तो बॉडी को हेल्प करना है फीवर को बढ़ाने में, उसके लिए फुल हॉट वाटर इमर्शन नहीं करना है, सिर्फ यहाँ तक यानी कि बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस पानी डालना है, जो कि अबाउट 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा या 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और वो दोनों पैर रख देने आधे घंटे के लिए, और पानी ठंडा होने से पहले ही पानी को रिफिल करते रहना ताकि गर्मी बने रहे। जब आप ऐसा करेंगे आपका बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है 1 डिग्री और फालतू बढ़ जाए, लेकिन उसके आधे घंटे बाद आपको रिलीफ मिलेगा और आपका होपफुली आपका टेम्परेचर भी नॉर्मलाइज होगा। तो जब तो आपको फीवर है तो उस वक्त हॉट वाटर इमर्शन ना करके, मतलब गले तक ना करके, सिर्फ बाल्टी बकेट में डालना। एक तो होता है हॉट वाटर इमर्शन, एक हॉट बकेट। तो आपने बकेट बोला तो बकेट कितना भी टेम्परेचर हो वो दिया जा सकता है, लेकिन टेम्परेचर 104 डिग्री होने का वेट करने की आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं, वो तो हमने हाँ ऐसा ना कि वो तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किया था हमने, और टेम्परेचर बढ़ गया तो ठीक ही है, हमने टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए ये काम किया और टेम्परेचर बढ़ गया, तो बढ़ के हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली जब आप बीमार नहीं है तब अगर करके देखेंगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, जब तो बीमार है तभी बढ़ेगा, अगर बॉडी को जरूरत है तो। द्वारका दास जी है यहाँ पे, आपका जो सवाल है वो टेम्परेचर थेरेपी से जुड़ा हुआ है। टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर आपका सवाल कुल मिला के है कि टेम्परेचर जब बॉडी का बढ़ता है तो बीमारी कैसे ठीक होती है, इसके यही आप समझना चाहते हैं। जब टेम्परेचर बॉडी के किसी जगह बढ़ता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पंचकर्मा थेरेपी में भी आप देखिए गर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं तेल के माध्यम से, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो बॉडी की इम्यूनिटी वहां इकट्ठा होने लगती है। यूं मानिए जैसे यहाँ पे अगर सायरन बजने लगेगा तो पूरे बॉडी ये कैंपस के सिक्योरिटी यहीं आने भाग के आएंगे कि देखो क्या हो गया, है ना, यहाँ फायर बजेगा तो जो फायर के जो लोग होंगे वहीं भाग के आएंगे। तो बॉडी को ये बताना कि इस पर्टिकुलर जगह पे घुटने पे मुझे दिक्कत है, तो वो एक तरीका है कि यहाँ का हीट बढ़ा दो। जैसे ही हीट बढ़ेगा तो वहाँ पे इम्यूनिटी एक्टिव होती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और इम्यूनिटी बढ़ती है तो उसी से हम सब ठीक होते हैं। तो इम्यूनिटी को एकदम से अलर्ट करने का तरीका है कि उसको हीट अप कर दो, लोकलाइज हीट देंगे तो वहाँ पे हरकतें बढ़ जाएंगी, ओवरऑल हीट देंगे तो पूरे बॉडी से
जो एक्सेस टॉक्सिन है वो बाहर निकलने लगेंगे। तो हीट यू मानिए एक घंटी है जो आपकी इम्यूनिटी को अलर्ट करती है। आपने आरओ एंड लिविंग वाटर के संबंधित सवाल पूछा है। देखिए सबसे बढ़िया पानी कौन सा होता है, जो झरने से पानी आता है ना, वो सबसे अच्छा होता है। हमारे ऐसे पेशेंट्स जिन्हें थैलेसीमिया के पेशेंट बोलते हैं, छोटे बच्चे जिनकी हीमोग्लोबिन बार बार घट जाती है, महीने हर महीने उनको खून चढ़ाना पड़ता है, ऐसे पेशेंट्स को हम अक्सर बोलते हैं कि आप ऐसी जगह चले जाओ एक महीने के लिए, दो महीने के लिए, जहाँ पे झरने का पानी मिले आपको। और वहाँ जाके जब रहते हैं और झरने का पानी पीते हैं और जीरो वोल्ट यानी कि मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी में लोटते हैं, धूप लेते हैं, तो और खाना वही वाला जो आप यहाँ ले रहे हैं, तो बॉडी ब्लड बनाने लग जाती है। जिस तरह से आप यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हुए, अपना काम छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, ठीक उसी तरह से एक और हॉस्पिटल है, उसका नाम है नेचर, कुदरत, राइट, जहाँ पे झरना हो, राइट, और जहाँ पे झरना हो वहाँ जाके बस जाएं एक महीने के लिए, तो बॉडी सीख जाता है कि हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाना है। तो सबसे अच्छा पानी कौन सा होता है, झरने का पानी, खासतौर पर जिनकी हीमोग्लोबिन कम होती है बार बार, राइट। और वैसे ही पानी अगर घर पर बनाना हो तो कैसे, वो आपने सिखाई, राइट। तो आरओ का पानी का मतलब क्या होता है कि जो पानी में मिनरल है उनको पानी से निकाल के फिर वो पानी आप पी रहे हैं। अब वो पानी जब पियेंगे तो वो पानी जब पेशाब से निकलेगा तो आपके बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी स्टोर्ड मिनरल है उसको भी साथ में ले जाएगा। तो यानी कि बेस्ट वाटर लिविंग वाटर जो आपने सीखा, थ्री पॉट सिस्टम, टू पॉट सिस्टम आपने सीखा देखा, राइट, एंड वर्स्ट वाटर आरओ वाटर, राइट। तो इसके बारे में हम और भी समझेंगे। ये जो आप मनोज राय हैं यहाँ पे, ये जो लेक्चर के बारे में पूछा आपने, ये वीडियो आज का, कल का वीडियो तो था, कल जो आएगा वीडियो, ये सब आपको हम लिंक भेज देंगे, है ना, ताकि आप इसको खुद भी करें और लोगों को बताएं। गुरप्रीत कौर हैं यहाँ पे, यस, आपका है कि रिड्यूस द लंग वाटर, बॉडी में कहीं भी पानी भर जाए, एक्सेस पड़ जाए, तो उसके लिए बेस्ट क्या है। हम ऐसे पेशेंट को दो ही चीज करते हैं ज़्यादा, एक तो और ना भरे, उसके लिए डाइट वो मैं बताऊंगा आज, और जो भर गया उसको निकालेंगे कैसे, हॉट वाटर इमर्शन एंड हेड डाउन टिल्ट। हॉट वाटर इमर्शन टू स्टार्ट विद यहीं तक करते हैं, पेट तक, राइट, लंग के नीचे नीचे तक, फिर उसके बाद जब उनको आराम मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है, तो ऊपर तक भी करते हैं, तो उससे पानी निकल जाता है और दोबारा पानी भरे ही ना, उसके लिए आज हम अभी डिस्कस करेंगे क्या करना है। सजल रे, सजल रे हैं यहाँ पे, पीछे पीछे बैठे, यहाँ बैठे, हाँ, सुजल राज, अच्छा ठीक है। देखिए बारिश जब होती है तब 1000 लक्स ऑफ कैसे ले सकते हैं लाइट, बारिश रोज नहीं होती है, बारिश होती भी है तब भी आप बाहर जाएंगे तो वो अगर लक्स मीटर आप देखेंगे तब भी वो 10000 लक्स का लाइट होगा, 1,00,000 लक्स भी होगा बारिश के बावजूद भी, कितना भी बारिश हो, कितना भी बाहर बादल हो, तब भी 10,000 लक्स से ज़्यादा ही लाइट होता है वो। वो आपको कैसे पता चलेगा, लक्स मीटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में और उससे पता चल जाएगा। लेकिन ये समझिए बारिश रोज़ तो होता नहीं है, जब बारिश नहीं होता तब आप धूप में बैठिए। नवल, नवल आगे, नवल जी ठीक है, सलाद टेस्टी करने के लिए लेमन डाल सकते हैं क्या, हाँ लेमन डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, नमक नहीं डालना है लेकिन नींबू डाल सकते हैं। अच्छा इसको सलाद को टेस्टी कैसे बनाएं, अपने फलों को, फूड को टेस्टी कैसे बनाएं, इसकी कुछ रेसिपीज हम आपको भेज देंगे, सभी को भेज देंगे। कुछ यहाँ पे कुकिंग क्लास भी, आपने आज कुकिंग क्लास भी है आज शाम को, है ना, तो उसमें आप सीख लेंगे, तो इसको वहीं डिस्कस कर सकते हैं। ऋषि देव आपका सवाल है, आई एम ए सीकेडी पेशेंट, राइट, यही है आपका सवाल। आई यूज टू स्टार्ट डीआईपी डाइट, क्रिएटिनिन, पोटेशियम एंड ब्लड यूरिया लेवल शूटिंग, राइट। देखिए फिर से मैं ये दोहरा रहा हूँ कि जब भी जो किडनी के पेशेंट जो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपका किडनी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका जो पैरामीटर है वो क्रिएटिनिन कितना है, यूरिया कितना है, यूरिक एसिड कितना है, पोटेशियम कितना है, इन पे निर्भर नहीं करता है, आपके सिम्टम्स पे निर्भर करता है। क्या मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ, क्या मेरी बॉडी की स्वेलिंग कम हुई,
क्या मेरा यूरिन आउटपुट बढ़ा, क्या मेरी एनर्जी लेवल बढ़ी, तो ये पैरामीटर रखेंगे तो आप कभी गड़बड़ नहीं होगा। अगर आप क्रिएटिनिन के चक्कर में पड़ेंगे, एक बात मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि आपका जब भी मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी में एनर्जी को बनाने और खपत करने की क्षमता जब बढ़ेगी, तो ऐसे में बॉडी में ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि जब एनर्जी खपत होती है उसी का बाई प्रोडक्ट होता है क्रिएटिनिन। इसीलिए जो लोग जिम में एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग पहलवान लोग हैं, उनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ रहता है। तो जब भी आप DIP डाइट पे रहेंगे, खासतौर पे जब भी आप हॉट वाटर इमर्शन करेंगे, तो इट इज इक्वलेंट टू कि आपके बॉडी की मेटाबॉलिज्म बढ़ रही है। तो टेम्पररीली आपका क्रिएटिनिन थोड़ा फ्लक्चुएट होकर ऊपर जा सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, वो दोबारा नीचे आ जाएगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, एक जैसा कभी नहीं रहता किसी का, एक जैसा रहता सिर्फ किसका, डेड बॉडी, राइट। तो क्रिएटिनिन ऊपर नीचे जा रहा है मतलब आप जिंदा हैं, मरे नहीं अभी तक, राइट। तो क्रिएटिनिन के बारे में डिटेल में अलग से मैं बताऊंगा, एक टॉपिक रख दूंगा, कल होगा ये टॉपिक। स्क्रीन बंद करना है, मैं इधर आ जाता हूँ, है ना, आई विल कम हेयर। हाँ, इसको स्क्रीन को अभी इसको अभी डिम कर दो, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी हमें ना। सुरजीत है यहाँ पे, आपका है कि इक्विपमेंट जो परचेज करना है पेशेंट्स के लिए। देखिए, पेशेंट के लिए परचेज करना तो हमारे वेबसाइट में कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे तभी परचेज करना है। अदरवाइज कुछ चीज़ें पंचकर्मा का जो आपको घर पे करना होगा, वो आपको कल एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम आपको दिया जाएगा सभी को। जितेंद्र शर्मा है यहाँ पे, आपने कुछ चेक पॉइंट 3, 4, 8 कुछ एंड 5 बताया है, ये कल का लेक्चर में ये सारा कुछ पूरी तरह से इंक्लूड होगा, आज मैं नहीं ले रहा हूँ। योगेश कुमार, अच्छा, हस्बैंड का आपने सवाल पूछा है, एडन ग्लैंड में 8 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, उसके लिए लक्स ऑफ लाइट कितना होना चाहिए? हाँ, देखिए, ट्यूमर है, किडनी श्रिंक है, ये सारी चीज कैसे पता चलेगी? फॉर एग्जाम्पल, मुझे कैसे पता चलेगा मेरे बॉडी में ट्यूमर है या मेरा किडनी श्रिंक है? क्या देख के पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, राइट। अगर तो दर्द हो रहा है तो पता चल जाएगा, तो अगर तो दर्द नहीं है तो फिर कुछ पता करने की जरूरत नहीं है। अगर तो दर्द है तो दर्द को कम करने की जरूरत है। हम में से इसके लिए टाइम थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ब्रीफली समझाता हूं, मैं आपको एक किताब दे दूंगा, समझिएगा। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके बॉडी में ट्यूमर ना हो, अच्छा खासा ट्यूमर ना हो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। लेकिन अक्सर वो ऐसी जगह पे जहां पे होने से हमें पता नहीं चलता। हम में से थोड़े से लोग ऐसे होते हैं जहां पे ट्यूमर इतना बढ़ जाता है कि वो दर्द का एहसास में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है। तो ट्यूमर होना इज नॉट इक्वल टू डिजीज। अगर ट्यूमर होने का मतलब हम बीमार हैं, तो सभी की बॉडी में ट्यूमर है, सभी बीमार है। फिर दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बीमार नहीं है, पहली बात। लेकिन ट्यूमर का साइज ज्यादा जब होता है, जब वो बाकी ऑर्गन में इंक्लूड करता है, उनको काम नहीं करने देता, तब वो दर्द का एहसास होता है, तो तब वो हमारे लिए डेडली है या डिजीज है। तो तब उसको क्या करें, जैसे ट्यूमर को कैसे ठीक करना है, उसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अब देखिए, ट्यूमर इस पेड़ की तरह है, पेड़ ट्यूमर है या कैंसर, ऐसे मान लीजिए। जितना ये बढ़ेगा उतना, या फैलेगा उतना बीमार पड़ेंगे, ऐसे मान लीजिए। अब इस ट्यूमर को मैं चाहता हूं कि बढ़े ना, यानी कि पेड़ को मैं चाहता हूं कि बढ़े ना, फैले ना, सूख जाए, तो क्या करना पड़ेगा? इसको इसकी एनवायरमेंट से मैं अगर हटा दूं, हटा दिया ना, अब कुछ दिन तक ऐसे रखूं, क्या ये बढ़ पाएगा? धीरे धीरे क्या होगा, सूख जाएगा ना। तो ये पेड़ पे निर्भर नहीं करता है कि ये कितना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये ट्यूमर कितना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है कि ये पेड़ रखा कहां पे हुआ, इसका एनवायरमेंट क्या है। अगर मैं ये चाहता हूं कि ये बढ़ता रहे तो मैं ये एनवायरमेंट दूंगा, लेकिन अगर चाहता हूं कि ट्यूमर बढ़े ना, घट जाए, खत्म हो जाए, तो इसको हटा दूंगा।
कोई कितना भी खतरनाक ट्यूमर या कितना भी खतरनाक ट्यूमर है या पेड़ है या कितना भी फैलने वाला पेड़ हो, लेकिन वो तभी फैल सकता है जब उसको राइट एनवायरमेंट दिया जाए। ये क्लियर है ना? तो आपके बॉडी में अगर तो कोई ट्यूमर है तो ये पेड़ दिमाग में देखिए कि ये है, तो हमें सिर्फ इतना करना होता है कि इसकी एनवायरमेंट को खत्म करना है। इसकी एनवायरमेंट को कैसे खत्म करेंगे, वो अभी का जो लेक्चर है जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं दो दिन से, उससे जो कैंसरस सेल के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं उनको डेवलप होने के लिए, उनको हम हटा रहे हैं अपने लाइफस्टाइल से। जैसे ऑल काइंड ऑफ एनिमल फूड, ऑल काइंड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट दो दिन से आपने नहीं लिया, तो जिसकी जो खुराक है वो आपने दी नहीं है, राइट? मान लो मैं इसको पानी में तो रखता हूं लेकिन यहां पे हवा नहीं आती, तब भी खत्म हो जाएगा, है ना? तो जितनी सारी इंग्रेडिएंट चाहिए इसको ग्रो करने के लिए, उसमें से एक भी इंग्रेडिएंट हटा दूं तो ये मर जाएगा, फिर चाहे ये पेड़ इतना छोटा हो, फिर चाहे ये पेड़ कितना ही बड़ा हो। आप समझ रहे हैं? पेड़ कितना बड़ा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या हमने उसके एनवायरमेंट को बनाए रखा है या एनवायरमेंट को बदल दिया है, है ना? पेड़ अगर बहुत बड़ा भी हो लेकिन फिर भी उसका पानी देना बंद हो तब भी वो मर जाएगा। तो समझिए कि हमें एनवायरमेंट को खत्म करना है। बीमारियां सिर्फ दो तरह से होती हैं, एक ट्यूमर ट्यूमर है, सिस्ट है, कैंसर है, फाइब्रॉइड है, पॉलिप्स हैं जिसे बोलते हैं आउटग्रोथ। कोई भी चीज की जितनी साइज होती है उस साइज से ज्यादा फैलना फूलना, ये कैंसर के कैटेगरी के हैं। ट्यूमर बोल सकते हैं, कैंसर बोल सकते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए इसको, राइट? तो दीज आर ऑल कॉल्ड आउटग्रोथ। जितना उसको ग्रो करना चाहिए उससे ज्यादा तेज से ज्यादा जगह पे फैल रहा है, इतना ही है। एक तो ये, दूसरा कि जितना ग्रो करना चाहिए उतना ना ग्रो करके वो श्रिंक कर रहा है, जैसे किडनी फेलियर, राइट? जैसे हार्ट डिजीज, जैसे डायबिटीज, जैसे हाई ब्लड प्रेशर। इसको जरा समझते हैं, हमारे बॉडी में इस तरह से ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, राइट? और ये ब्लड वेसल्स अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो बहुत ज़्यादा खुराक कहीं पहुँचेगी, बहुत ज़्यादा खुराक पहुँचेगी तो कोई एक ऑर्गन ज़्यादा ग्रो करने लगेगा, कोई एक सेल ज़्यादा ग्रो करेगा जिसे आप ट्यूमर बोलते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे ज़्यादा ब्लड पहुँच रहा है, यहाँ ज़्यादा ब्लड पहुँच रहा है, तो इसको स्विच ऑफ, बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया। ज़्यादा ब्लड पहुँचना, इसको मेडिकली बोलते हैं एंजियोजेनेसिस, है ना? तो इसको इसको बंद करना है, तो यहाँ पे ब्लड पहुँचना बंद हो गया तो उसका ग्रोथ फिर वहीं रुक गया। जब ब्लड कम पहुँचता है फिर हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर उस तरह की बढ़ते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा ब्रांचेस होंगे तो ब्लड ज़्यादा पहुँचेगा, ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। तो बीमारियां क्यों होती हैं, दो ही कारण से होती है, या तो ज़्यादा फैलता फूलता है या जितना फैलना चाहिए उससे भी कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है, राइट? आपके केस में आपने दो चीज बोली, एक तो ट्यूमर वो पहली कैटेगरी ज़्यादा फैलने, दूसरा किडनी स्टोन की हो गई वो दूसरी कैटेगरी। इन दोनों के बीच का बैलेंस लाना है, राइट? जिस तरह से आपकी गाड़ी में एक्सीलेटर और ब्रेक दो चीज़ है ना, एक्सीलेटर गाड़ी को भगाता है, ब्रेक उसको रोकने की कोशिश करता है। आप ऐसे ड्राइवर दोनों का बैलेंस करते हैं तभी तो आप ड्राइवर हैं। जिस दिन ये बैलेंस बिगड़ गया उस दिन एक्सीडेंट हो गया, राइट? ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी में भी है, हमें बैलेंस को मेंटेन करना है, राइट? उसके लिए जो आपने अभी किया, जो मैंने आपको बताया कि जो लोग हम में से हैं जो जिनके दिमाग में कैंसर का पिक्चर है, ट्यूमर का पिक्चर है, फाइब्रॉइड का पिक्चर है, पॉलिप का पिक्चर है, और वो सोच रहे हैं कि इसको कैसे हटाएं, राइट? कैसे हटाएं? अब मान लीजिए डॉक्टर ने बोला ये ट्यूमर बढ़ गया आपका, ये देखिए यहाँ तक पहुँच गया, क्या करूँ डॉक्टर? काट दो, चलो मैं काट देता हूँ इसको। बढ़ेगा, जितना काटेंगे उतना बढ़ेगा ना, तो करना क्या चाहिए था आपको? आपको इसकी एनवायरमेंट को बदल देनी चाहिए थी, है ना? तो मैं ये बोल रहा हूं कि सर्जरी से, ट्यूमर के सर्जरी से कभी भी ट्यूमर खत्म नहीं हो सकती। जिस तरह से पेड़ को काट के पेड़ कभी खत्म नहीं किया जा सकता, उसके एनवायरमेंट को बदल के पेड़ की को समाप्त किया जा सकता है, राइट? तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि व्हाई सर्जरी कैन नेवर वर्क। सर्जरी कभी भी किसी भी ट्यूमर को हमेशा के लिए खत्म कर ही नहीं सकता है, उल्टा वो बढ़ जाता है। हर बार आप देखेंगे, जैसे स्टोन है, किडनी स्टोन है, मान लीजिए किसी के यहाँ पे
मैं यहाँ पे एक बर्फी रख देता हूँ, कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ चींटियाँ आ जाएंगी। अब मैं आपको बोलूँ सारी चींटियों को भगाइए, एक बंदूक भी दे दूँ, मार डालिए सबको, कितना समय लगेगा, कितनी गोलियाँ लगेंगी सारी चींटियों को मारने के लिए? जितनी चींटियाँ मारेंगे उतनी चींटियाँ और आएंगी। तो करना क्या होगा, वो बर्फी को हटाएंगे, चींटियाँ अपने आप गायब हो जाएंगी, है ना। तो ट्यूमर को हटाने के लिए, ट्यूमर को नहीं हटाना है, उसके एनवायरमेंट को खत्म कर देना है। एनवायरमेंट को कैसे खत्म करना है, तो ये जो आंसर है वो सिर्फ आपके लिए आंसर नहीं है, ये आंसर हर उनके लिए है जिन्होंने अपने आप को एज ए कैंसर पेशेंट आइडेंटिफाई किया हुआ है। कैंसर सेल्स आर लाइक अ ट्री, राइट। हमें सिर्फ इतना करना है कि उसके नीचे पानी देना बंद करना पड़ेगा, उसके एनवायरमेंट को बदलना पड़ेगा। कितना भी बड़ा कैंसर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक उसी तरह से कितना भी बड़ा पेड़ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि उसके हवा पानी को कैसे बंद किया जाए, दैट्स ऑल, राइट। तो उस बात पे आज चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके सवाल का जवाब। यास्मीन है यहाँ पे? आप सर्कैडियन टाइमलाइन एक्सप्लेन, वो आज एक्सप्लेन करेंगे। बॉडी टेम्परेचर ये भी एक्सप्लेन करेंगे। जब बुखार आता है तब टैबलेट खाकर हम हीट को कम करते हैं, वो क्या करें फीवर रहने से बॉडी में? एक बात याद रखिए, मुझे 15-20 साल हो गए हैं इस फील्ड में, अलग अलग शहरों में हमारे हॉस्पिटल्स हैं, अलग देशों में हमारे कैंप्स लगते हैं, मैंने कभी किसी पेशेंट को फीवर से मरते हुए या प्रॉब्लम करते हुए नहीं देखा। यास्मीन, यास्मीन आप हैं? क्वेश्चन लिखिए लिखिए, पहले खत्म हो जाने फिर पूछिए, राइट। हो सकता है आपका आंसर मिल जाए, नहीं तो जरूर पूछिए। किसी के भी क्वेश्चन हो तो वो आपको पूछना है, क्योंकि क्वेश्चन से ही नए सवाल आते हैं, नए जवाब से। फीवर पे बात कर रहे हैं, तो फीवर इट्सेल्फ कैनॉट किल यू। कई लोग बोलते हैं बुखार दिमाग में चढ़ जाता है, रेयरली कभी, और चढ़ेगा तो वो 3-4 सेकंड के लिए चढ़ेगा, फिर दोबारा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन फीवर में अगर आपने दवाई लेके, पैरासीटामोल लेके अपना फीवर कम करने की कोशिश की, तो वो डेंजरस होता है, लीवर फेलियर कर देगा, किडनी फेलियर कर देगा, एक्यूट किडनी फेलियर, अचानक किडनी फेलियर, अल्सर कर देगा पेट में, कैंसर कर देगा। तो इसके लिए क्या करना है, अभी मैंने आपको जवाब दिया था, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, बाल्टी में पानी रख के फीवर को बढ़ाना, और खाना पीना बंद करके नारियल पानी और सिट्रस फ्रूट जूस लेना। तो खैर इस पर हम डिटेल में और बात करेंगे, आज का पहले सर्कैडियन रिदम जो पूछा आपने उस पर आते हैं, उससे पहले 2-4 सवाल और लेता हूं मैं। आप में से कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट जिन्होंने आपकी हैंडराइटिंग मेरे को समझ नहीं आई, तो वो आपको दे दिया जाएगा, एक बार फिर उसको लिख दीजिएगा, देन आई विल टेक इट। नरेश कुमार, नरेश कुमार को है, आप हैं। टॉयलेट के सीट के साथ एक आगे एक स्टूल रखा हुआ है ना, उसके बारे में पूछ रहे हैं। देखिए इट इज़ कॉल्ड पॉस्चुरल मेडिसिन। एक बात आप समझिए ज़रा, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे बॉडी में लंग्स एक जगह पे है, हार्ट की जगह है, किडनी की जगह है, वो जो जगह है वो जगह की अहमियत है। जिस तरह से ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, या जो कोरोना का टाइम बोला जाता था, हम तो फ्लू बोलते हैं उसको, कि सांसें जो लोग नहीं ले पाते, तो जो लोग सांस नहीं ले पाते, जैसे मान लो अगर कोई सांस नहीं ले पा रहा और उसको मैं बोलूं कि वो खड़े होने के बजाय ऐसे झुक जाए, अब जब मैं जब ऐसे झुका हुआ हूं तो मेरा लंग्स 20% ज़्यादा खुल गया इस वक्त, और मेरे लिए सांस लेना आसान हो जाएगा। या अगर लेटने का प्रावधान हो तो अगर मैं लेट जाऊँ इस तरह से, यानी कि पेट के बल, तो सांस लेना और आसान हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा करें आप, कि अगर मैं ऐसे अभी आप बैठे हैं इस तरह से बैठिए, आप देखेंगे सांस लेना मुश्किल हो जाएगी सभी के लिए, जैसे ऐसे करेंगे सांस नहीं ले पाएंगे, मुश्किल से ले पाएंगे। तो ये क्या है कि आपका पॉस्चर, आपने पॉस्चर चेंज किया, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई, सांस लेना आसान हो गया। तो फेवरेबल पॉस्चर्स में वो वाला ऑर्गन, जो ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक नहीं कर पा रहा, वो अच्छे से काम कर पाता है। तो उस वैसे ही जब आप टॉयलेट जाते हैं, तो अगर टॉयलेट सीट है उसमें बैठते हैं, तो दैट इज़ नॉट द राइट पॉस्चर। उस पॉस्चर को चेंज करने के लिए एक तो इंडियन स्टाइल ही होना चाहिए, इंडियन स्टाइल नहीं है तो जो हमने आप सबके उसमें अपने स्टूल लगाया है, कम से कम पैर फोल्ड हो गए, राइट, तो उससे पॉस्चर फिर भी बेटर हो गया।
राइट। तो इसके लिए किताब है पूरा इस पे, पोस्टुरल मेडिसिन नाम से, वो किताब का लिंक मैं दे दूंगा, उसको पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगा। चूकी देवी, एक्स सुबेदार, और आप बैठी। अच्छा, तो यहाँ पे आपका सवाल है कि ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो कि पैनल में फ्री में मिलता है, हाँ पैनल में अगर आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऐसे ही हमारे इस तरह के हॉस्पिटल भी अगर पैनल में आ जाएं तो लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसके लिए कुछ काम हो सके। तो इसके लिए बहुत सारा काम ऑलरेडी कर रहे हैं हमारे मित्र आचार्य मनीष, और फाउंडर ऑफ दिस हॉस्पिटल इधर पीछे ही बैठे हैं, और तो सर एक बार हाथ पे ऊपर, हाँ ठीक है। तो कई सारे हॉस्पिटल, कई सारे स्टेट्स में ऑलरेडी लागू कर दिया गया है, राजस्थान में, हरियाणा में, और बाकी आप बताएंगे, और इस दिशा में लगे हुए हैं, और आपने सजेशन दे दिया, हमें दोबारा से याद आ गया, इसको और अच्छा करेंगे। मिथिलेश शुक्ला, मिथिलेश अच्छा, आपका सवाल है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर कोलेस्ट्रॉल एंड फुट स्वेलिंग, बोल रहे हैं, बोलना चाहते हैं डे एंड नाइट हार्मोन। कोलेस्ट्रॉल की बात कर लेते हैं पहले। देखिए, कोलेस्ट्रॉल बनाने की शक्ति भगवान ने सिर्फ जानवरों को दिया है, जानवर के बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है। अच्छा, हम जानवर हैं या हम प्लांट हैं, एनिमल, तो हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बना सकती है, राइट। अच्छा, दिस इज ए प्लांट, दिस डोंट कैनॉट प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, प्लांट में कोलेस्ट्रॉल जीरो होता है, कोई भी प्लांट में। काजू, काजू जानवर से आया कि प्लांट से आया, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, जीरो होगा। पिछले दो दिन से आप जीरो कोलेस्ट्रॉल डाइट पे हैं, क्योंकि ना तो आप मीट मछली अंडा वगैरह खा रहे हैं, जो भी खाते हैं, ना ही आप डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, दूध दही लस्सी मक्खन घी, तो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितना जा रहा है, जीरो जा रहा है, जा ही नहीं रहा है। तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जा नहीं रहा, तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल वही वाला है जो बॉडी खुद बना रही है, और बॉडी खुद उतना ही कोलेस्ट्रॉल बनाती है जितना कोलेस्ट्रॉल बॉडी को आवश्यकता है। क्लियर है बात? तो कोलेस्ट्रॉल को कैसे बढ़ाना है या कैसे घटाना है, सवाल सिर्फ इतना है कि कोलेस्ट्रॉल हमें खाना नहीं है। जब आप एनिमल फूड नहीं खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल नहीं खा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, खासतौर पर वियतनाम में, मलेशिया में, जहाँ जहाँ हमारे सेंटर्स हैं, कि जहाँ के लोग हर बार एनिमल फूड खाएंगे ही खाएंगे, उसके बिना तो वो जी नहीं सकते। अगर हम बोलेंगे कि आप एनिमल फूड बंद कर दो, तो बोलेंगे आपकी बात हम नहीं सुनेंगे, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो दे यार, तो फिर निगोशिएट करता हूँ मैं उनसे, उनको बोलता हूँ कि आप ऐसे एनिमल खाओ जिनमें कम कोलेस्ट्रॉल हो। अब कैसे पता चलेगा, जितने कम पैर उतना कम कोलेस्ट्रॉल, राइट। जैसे बीफ है, पॉर्क है, चार लेग्स मोर कोलेस्ट्रॉल, चिकन दो ही लेग हैं लेस कोलेस्ट्रॉल, फिश का कोई लेग ही नहीं होता, राइट। तो और कम कोलेस्ट्रॉल, पहली बात तो ये सब एनिमल फूड को छोड़ ही दें। आप देख भी रहे हैं, दो दिन में अगर इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और दो हफ्ते में कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। जिस चीज़ से हमारी पेन कम होता हो, वही हैबिट से एनिमल पेन भी तो कम हो रहा है, क्योंकि उनको मार काट नहीं रहे, उनको आप तंग नहीं कर रहे, राइट। और एनिमल को खाने के लिए एनिमल को प्रोड्यूस भी करना पड़ता है, और एनिमल को प्रोड्यूस करने के लिए एनिमल इंटर्न क्या खाते हैं, वो तो घास ही खाते हैं ना, राइट। तो हाँ, तो आप समझिए कि आप सीधे ही घास खा लो ना, फिर घास नहीं खा सकते तो आप पत्ते और सब्जियां खा लो। अल्टीमेटली ठीक होने के जो नियम है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि अपने बॉडी क्लॉक को ठीक कर लेने से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। बॉडी क्लॉक क्या है ये आपको समझना होगा। हमारे हार्ट का एक बॉडी क्लॉक है, हमारे लंग्स का बॉडी क्लॉक है, हमारे पेनक्रियास का बॉडी क्लॉक है, और हमारे लगभग हर सेल का एक बॉडी क्लॉक है। उसको बिगाड़ेंगे तो बीमारी आएगी, उसको सुधारेंगे तो ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग विद द हार्ट, आप 10 बजे अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए सुबह, और रात को 10 बजे ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो आपको सुबह वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, रात वाला कम मिलेगा, 20% डिफरेंस, राइट। तो ये बॉडी क्लॉक का डिफरेंस है। कुछ लोगों में ये दोनों बराबर होता है, कुछ लोगों में उल्टा होता है। बराबर हो या उल्टा हो, तो समझ लीजिए कि आपकी हार्ट की बॉडी क्लॉक ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा होती है।
आप देख भी रहे हैं कि अचानक खड़े खड़े लोग मर रहे हैं, तो क्या कोई तरीका जिससे हम पता चल सके कि भाई हमारी स्थिति क्या है इस संदर्भ में? तो सुबह 10 AM यू चेक योर ब्लड प्रेशर, रात को 10 PM यू चेक योर ब्लड प्रेशर। कितना ज़्यादा कम है वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, दोनों में बीच में गैप कितना है। सुबह वाला ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा, रात वाला कम, अगर ऐसा है तो सही। ये है बॉडी क्लॉक ऑफ हार्ट। अब हम बात करते हैं किडनी की। एक दिन 24 घंटे में कितना यूरिन पास करते हैं उसको आप दो बोतल लीजिए, एक बोतल पूरे दिन भर में कितना यूरिन पास कर रहे हैं और एक रात को बीच में अगर उठ रहे हैं तो कितना यूरिन पास कर रहे हैं। दिन भर का जो यूरिन पास करते हैं दैट शुड बी अबाउट 3 times रात वाले यूरिन से। अगर ऐसा है तो किडनी फंक्शन इज ओके, अगर इसका उल्टा है तो मतलब कुछ गड़बड़ है। तो चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो पेनक्रियाज हो, पेनक्रियाज का बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेमन भाषा में यूं मानिए पेनक्रियाज जो कि इंसुलिन बनाती है वो सुबह 8 बजे जगती है और रात को 8 बजे सो जाती है। जब वो पेनक्रियाज सो गई, आप अगर अपना डिनर 9 बजे करेंगे तो यानी कि आप पेनक्रियाज से ज़्यादा काम करा रहे हैं, राइट। तो अब इन 3 दिन में हमें क्या कराना है, क्या कराया है आपको, उसको अगर समझना है तो थोड़ा सा हमें समझना होगा हमारा लाइफस्टाइल, फूड एज मेडिसिन। हमारा फूड किस तरह से मेडिसिन की तरह काम कर सकता है या वही फूड किस तरह से जहर की तरह काम कर सकता है। सेम फूड, ये जो आम है, मैंने अभी तक बताया आपको आम खाइए और अपना ब्लड शुगर नॉर्मल कीजिए। ये आम सुबह 9 बजे खाएंगे, 10 बजे खाएंगे तो ब्लड शुगर नीचे आएगा। यही वाला आम उतना ही रात को 9 बजे खाएंगे तो ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। इसको जरा समझने की जरूरत है। तो इसी को कहते हैं सर्कैडियन क्लॉक, इसको ब्राइट कर लीजिए। ये सारे रेफरेंस पेपर हैं जो मैं आपको दे दूंगा, ताकि जो मैं बता रहा हूं वो अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप इसको पढ़ सकें। तो हम इस पे थे अभी तक। फूड, आप ये देख पा रहे हैं, यहां देखिए फूड जो लिखा हुआ है, मान लीजिए इतना खाना आप खाते हैं पूरे दिन भर में, दिस इज द अमाउंट ऑफ फूड विच यू ईट इन द होल डे, राइट। वो 2 किलो हो सकता है किसी का, 1.5 किलो हो सकता है किसी का, 2.5 किलो हो सकता है, जो भी कुछ आप खाते हैं उन सबको इकट्ठा कर लीजिए, उनको तौलिए, तो मान लेते हैं वो 2 किलो फूड होता है, वो दिस इज द अमाउंट ऑफ फूड विच यू ईट, राइट। अब ये सुबह है और ये रात है, राइट, दिस इज, और ये 8 बजे से लेके ये लंच और ये डिनर है, राइट। 8 AM आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर दोपहर को 12 बजे से 2 बजे कहीं लंच किया और रात को 8 बजे से पहले आपने डिनर कर लिया, ठीक है ना। तो टोटल अमाउंट ऑफ फूड ये है। अब मैं सिंपली ये करता हूँ, आपको अगर मैं डायबिटीज पेशेंट बनाना चाहूँ तो बिना ज़्यादा छेड़छाड़ किए, आप देखिए सबसे बड़ा खाना कब खा रहे हैं आप ब्रेकफास्ट में, इसके अनुसार। अब मैं इसको उल्टा कर दूं, सबसे बड़ा खाना आप डिनर में आपको दे रहा हूं और सबसे छोटा ब्रेकफास्ट में दे रहा हूं, टोटल अमाउंट ऑफ फूड उतना ही है। मैंने सिर्फ फूड के ऑर्डर को चेंज कर दिया। इतना चेंज करेंगे तो आपका ब्लड शुगर जितना भी आ रहा है उसे 50 यूनिट ज्यादा आने लगेगा। इस बात को समझिए, क्योंकि अभी 8 बजे डिनर आप कब कर रहे हैं, आप डिनर तब कर रहे हैं, डिनर तब कर रहे हैं जब पेनक्रियाज से सोने का टाइम हो गया है। इस वक्त आप कुछ भी खाएंगे तो बॉडी को ज़्यादा जोर लगेगा उसको मेटाबोलाइज करने में। तो अगर किसी को कुछ उल्टा सीधा खाना ही है तो सबसे बढ़िया टाइम है सुबह 8 बजे खा लेना, 8 बजे के बाद, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा भी खाएंगे तो बॉडी पेनक्रियाज इज एट इट्स पीक, राइट। तो फूड वही है, लेकिन फूड का ऑर्डर, यानी कि पहला नियम तो यह है कि हैवीएस्ट मील, सबसे ज़्यादा बड़ा मील ब्रेकफास्ट, लाइटेस्ट सबसे छोटा मील डिनर रात। ये होगी पहली बात। इससे जुड़े हुए जो आप देख रहे हैं यहाँ पर रिसर्च पेपर, वो ये रहे जो आपको दिखाई, ये सारा मैं आपको दे दूंगा। अगर इसको मैं मेंटेन करता हूँ तो आपका वेट बढ़ने लगेगा, वेट आपका बढ़ने लगेगा। अगर मैं इसको ठीक कर देता हूँ
सप्ताह का वेट घटने लगेगा, राइट। तो वेट घटना, ब्लड प्रेशर घटना, ब्लड शुगर घटना इस डिपेंड करता है कि आपका पहला मील की क्वांटिटी क्या है। पहला मील की क्वांटिटी बहुत ज्यादा, दूसरे का मीडियम, तीसरे का कम, आइडियली तो यही होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको चाहता हूं कि आप ज्यादा बीमार हो जाएं, तो मैं इसके अलावा एक और बदलाव करता हूं कि इसी खाने को मैं फैला देता हूं, इसको इधर रख दिया, इसको और इधर रख दिया, बीच वाले को बीच वाले। अमाउंट ऑफ फूड सेम है, लेकिन मैं सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक खा रहा हूं। खाने की क्वांटिटी और बाकी चीज फर्क नहीं है, सिर्फ खाने को हमने फैला दिया। जब खाने को आप फैला रहे हैं तो आप एक ऐसे टाइम जोन में चले गए खाना लेके जब आपका पैनक्रियास सो रहा था, 8 बजे के बाद और इधर 8 बजे से पहले। ऐसे में आपका ब्लड शुगर लेवल अनयूजुअल होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ऐसे में ब्लड शुगर जब फ्लक्चुएट करेगा, या तो आप डायबिटीज के पेशेंट कहलाएंगे, या कुछ लोगों का बॉडी क्या करेगा, वो एक्सेस शुगर को ब्लड से निकाल के बॉडी के कहीं ना कहीं अंगों में डालने लगेगा। तो वो लोग बोलेंगे मुझे ब्लड शुगर मेरा नॉर्मल रहता है, लेकिन बॉडी में दर्द रहता है, समझिए इस बात को, राइट। तो आपका पेनक्रियास का जो एक्टिव टाइम है, उस टाइम के बियॉन्ड अगर आपने अपने फूड के सप्लाई को कर दिया, तो शुगर को बॉडी में यूज नहीं हो पा रहा है। तो शुगर बॉडी में कहीं तो रहेगा अनयूज्ड, ब्लड में रहेगा तो उसे बोलेंगे ब्लड शुगर का पेशेंट। कुछ लोगों के स्किन के नीचे रहेगा तो झुनिया पड़ जाएंगी, बाकी सब ठीक रहेगा उनका। कुछ लोगों के ब्रेन में, वो डिप्रेशन के पेशेंट बन जाएंगे, डेमेंशिया के पेशेंट बन जाएंगे, पार्किंसन के पेशेंट बन जाएंगे, राइट। तो फूड इज सेम, क्वांटिटी ऑफ फूड इज सेम, मैंने सिर्फ इतना किया उसके टाइम को फैला दिया, स्प्रेड कर दिया। सो दैट इज एक इंटरेस्टिंग बात जो यहां पे देख रहे हैं, कि अब इसको एक कदम आगे ले जाते हैं। ये जो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट को यहां से हटा दिया, ब्रेकफास्ट को खत्म ही कर दिया। जब आपका पेनक्रियाज सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, वो कब होता है? सुबह। उस वक्त कई लोग हैं कि मैं ब्रेकफास्ट करता ही नहीं, ऐसे बहुत लोग बोले सीधे लंच करते हैं, उनका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा। उल्टा खाने को कम कर दिया, राइट, खाने को स्किप कर दिया, तो स्किप करने का बेस्ट टाइम सुबह वाला नहीं है। स्किप करना ही चाहते हैं तो डिनर को स्किप कर दीजिए, लेकिन ब्रेकफास्ट को जरूर रखिए, वो भी हैवी है। द बेस्ट टाइम टू हैव द मील, कुछ भी खाने का सबसे अच्छा समय क्या कौन सा है? सुबह वाला समय, 8 बजे के बाद का समय। और वर्ड्स कब है? रात के 8 बजे के बाद का समय। तो सेम फूड होते हुए भी क्वांटिटी एंड काइंड ऑफ फूड, वही फूड आपके लिए अमृत बन सकता है, वही फूड आपके लिए जहर बन सकता है, राइट। हम में से बहुत लोग ये रियलाइज ही नहीं करते कि खाने की टाइमिंग कैन मेक यू सिक। तो हमने यहां पे आपने देखा 8:30 बजे से लेके शाम के 6:30 के बीच में हम सारा कुछ खाना पीना खत्म कर देते हैं, मोस्टली यही देख रहे हैं 2 दिन से। 2 दिन में ही इतना सारा असर आपको दिख रहा है, लेकिन आप 2 दिन थोड़ा करने वाले, आप तो हमेशा करने वाले, तो हर दिन बेटर होते जाएंगे, राइट। एवरी डे यू विल बी इंप्रूविंग स्लोली एंड ग्रेजुअली। अब हम क्या करते हैं, इसको भी एक कदम आगे ले जाते हैं। जब ब्रेकफास्ट को स्किप करेंगे, सीधे लंच डिनर पे आएंगे, इट स्टार्ट्स विद डायबिटीज, इट स्टार्ट्स विद हाई बीपी एंड इट गोज अप टू कैंसर, ये सारी बीमारियां एक एक करके बॉडी में आने लगती है। जबकि यहां पे हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि किस तरह का खाना खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी खा रहे हैं, वो सब बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टाइमिंग की बात कर रहे हैं। ओनली टाइम, ऐसे नहीं कि कभी 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 करने से कुछ गड़बड़ होगी, कभी कभी तो कुछ भी कर सकते हैं। जो चीज आपके लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन कभी कोई चीटिंग हो गया, कभी नहीं खा पाए, कहीं फ्लाइट में गए, वो बात नहीं कर रहा। कंटिन्यूअस बेसिस पे सालों साल आपका जो लाइफस्टाइल है, सालों साल आपकी जो आदत है, वो उसकी बात मैं कर रहा हूं। ये सारे सर्कैडियन रिदम को बिगाड़ने का जो सबसे अच्छा तरीका क्या है, कि जो पेनक्रियास का जगने का टाइम है, उससे आप अपने खाने को बाहर कर दो। कैसे? जो लोग शिफ्ट में काम करते हैं, शिफ्ट में मतलब जो नाइट ड्यूटी करते हैं, ऐसे कई सारे जॉब होते हैं, उनको दिन में सोना पड़ता है, या आईटी के लोग हैं, वो आधी रात 2 बजे तक काम करते हैं, फिर सुबह देर से उठते हैं, तो
शिफ्ट वर्कर रात को खाएंगे एक ऐसे टाइम पे जब उनका सर्कैडियन क्लॉक के हिसाब से पेनक्रियास सो ही रहा होगा, और दिन में जब उनके पेनक्रियास सबसे एक्टिव होगा तब वो खुद सो रहे होंगे। तो दैट इज वेरी डेंजरस। इसीलिए दुनिया भर में जो शिफ्टों में काम करते हैं उनकी जो आयु है वो सबसे कम होती है। दैट इज अ हैजर्ड ऑफ द वर्क। एक तो कंपल्शन शिफ्ट ड्यूटी है तो उनको मजबूरी है, जैसे इसमें डॉक्टर्स भी है जो नाइट ड्यूटी में होते हैं, उनकी मजबूरी है। लेकिन कई लोग एज ए प्लेजर अनजाने में ही रात को 2 बजे तक खाना खा रहे हैं, कुछ ना कुछ खा रहे हैं और वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो उनके मतलब ये कि मजबूरी में करना एक अलग बात है, जानबूझ के भी करना राइट, जो कि अवॉइडेबल है, तो वहां पे तो अवॉइड किया जा सकता है कि जब आपके पेनक्रियास सो रहे हों उस वाले टाइम जोन में अगर आप खाएंगे तो दैट कैन कॉज ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग कैंसर, ओबेसिटी, सारी प्रॉब्लम। खाना उतना ही खा रहे हैं बल्कि उससे कम भी खा रहे हैं। तो अब करना क्या होगा? करना सिंपली इतना होगा कि पेनक्रियास का जो सर्कैडियन क्लॉक है उसके अंदर आपके फूड को ले आना है, जो कि हमने इन 3 दिन में करने की कोशिश की या कर रहे हैं। 8 बजे के बाद ही आपका ब्रेकफास्ट हो, और रात को 8 बजे पेनक्रियास सो जाता है तो डिनर 6 बजे ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो अभी पेट में पड़ा है उसको भी तो मेटाबोलाइज करने में पेनक्रियास को 2 घंटे लगेंगे ना। तो 8 बजे पेनक्रियास सो जाएगा तो 8 बजे डिनर नहीं ख़त्म करना है, वो 6 बजे ख़त्म कर देना है, 6:30 बजे ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो जब आप ये कर रहे हैं, मान लो कोई आप यहाँ से घर जाएंगे कल और कोई भी आपको डायबिटीज़ का पेशेंट मिले, तो आपको सिर्फ यही बताना है, पहली चीज़ अगर एक चीज़ बताना चाहते हैं, जो खाएं वही खाते रहें, सिर्फ टाइम को रिस्ट्रिक्ट कर दें। तो बीपी, ब्लड शुगर, पेन, मोटापा, आंखों में दिखना, कमजोरी, ये सारा कुछ में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। सिर्फ ओनली वन चेंज, एंड दैट चेंज इज अगर बड़ी तेजी से करना है तो वो ये कि ईटिंग विद इन द ब्रैकेट ऑफ 8 आवर्स, 8 घंटे के ब्रैकेट में। यानी कि जो हमारे पास कैंसर के पेशेंट आते हैं, कैंसर मतलब जिनके पेन बहुत ज़्यादा है, बहुत दर्द है जिनको, सीवियर पेन है, उनको हम बोलते हैं कि आप 10 AM से लेके 6 PM के बीच में खाओ। कितना खाओ वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो जितना मर्जी खाओ, लेकिन 10 AM टू 6 PM, 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, राइट, 15 दिन के लिए। ये 15 दिन हो गए, अब 16वें दिन से 15 दिन के लिए 10 घंटे के ब्रैकेट में खाना है, दैट इज 8 AM टू 6 PM, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे, जिस तरह से आप भी अभी कर रहे हैं लगभग, और उसके भी 1 महीने, मतलब टोटल 1 महीने होने के बाद जिंदगी भर 12 आवर विंडो, यानी कि 8 AM टू 8 PM के बीच में ही खाना है, उसके बाद खाना ही नहीं है। सो कितनी बार भी खाएं, कितनी बार खाएं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इस ब्रैकेट के अंदर खाना है जो भी कुछ करना है। ये ब्रैकेट कौन सा वाला, 8 AM टू 8 PM, इसके बीच में खाना है। तो पहले तो इस विंडो को भी हमने कम कर दिया, 10 AM टू 6 PM कर दिया, सिर्फ 8 घंटे का ब्रैकेट कर दिया। 8 घंटे के बीच में खा रहे हैं तो कितना घंटा नहीं खा रहे, 16 आवर नहीं खा रहे। वो जो 16 घंटे हैं जब आप नहीं खा रहे हैं, तब आपका बॉडी क्या कर रहा है, बॉडी को तो फूड चाहिए, तो बॉडी ट्यूमर जहां जहां है, स्टोन जहां जहां है, फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, उसको बॉडी खा रहा है। इसे कहते हैं ऑटोफेजी। बॉडी उसको खाएगा और धीरे धीरे वो टूटेगा, और जो आपका दर्द है वो कम होगा, जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होगा। तो 16 घंटे बॉडी को रिपेयर करने को मिल गया, और 8 घंटे में खाया। 8 घंटे में शुरू शुरू में हो सकता है आपको भूख लगे, अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन वो 2-4 दिन लगेगा, फिर आपका बॉडी एडजस्ट हो जाएगा उस नए टाइम जोन ऑफ फूड ईटिंग में, उसी विंडो में हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप में से कई लोगों ने यहाँ पे लिखा है, आपके जो मेरे पास मेडिकल हिस्ट्री है, कि प्रोस्टेट की जिनको दिक्कत है, रात को कई बार उठना पड़ता है, कई बार पेशाब जाना पड़ता है, रात की स्लीप डिस्टर्बेंस की दिक्कत है, प्रोस्टेट की दिक्कत है, डिप्रेशन की दिक्कत है, नींद नहीं आना या बार बार पेशाब जाना जिसकी वजह से नींद ब्रेक हो जाना, इस तरह के कई सारे लोग लिखे हैं, या किसी को मेंटल डिसऑर्डर की वजह से नींद नहीं आना, कुल मिला के कई सारे वजह से नींद गहरी नहीं आना। गहरी नींद आएगी
तो आप ठीक भी बड़े जल्दी होंगे। तो नींद को कैसे गहरा करें, अब मैं उस पर थोड़ा सा आपको बताने वाला हूं। एक बात याद रखिए कि जब सनसेट हो जाता है तो आपके आंखों को पता चलता है सनसेट हो गया है, और आंखों से आपके बॉडी को पता चलता है। आज से 2 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था, फायर, तब लाइट का मतलब सूरज की रोशनी थी, और करीब आज से 6,000 साल पहले मोमबत्ती या दिया ये सब आए, जिससे रात को भी इंसान चाहे तो लाइट ला सकता है सूरज के ना होने के बाद भी। और ये जो लाइट देख रहे हैं ये तो 130 साल पहले ही आया है, यानी कि 130 साल पहले ही हम रात को भी दिन बना पाए। और पिछले 3-4 साल की बात करें तो जब से आईपैड आ गया, जब से फोन आ गए, जब से मोबाइल को एंटरटेनमेंट का साधन बना लिया, अक्सर हमारी रातें भी हमारे बॉडी के लिए दिन ही है। जब आप इसको भी देख रहे हैं तो ये ब्राइट लाइट है, खैर अभी तो खैर दिन ही है, लेकिन रात को भी अगर ये देखेंगे तो हमारा दिमाग बॉडी को बताएगा कि ये तो दिन है। तो जो लोग प्रोस्टेट के पेशेंट हैं, जो जिनको बार बार पेशाब आता है रात को, जिनको नींद नहीं आती डिप्रेशन की वजह से या मेंटल डिसऑर्डर की वजह से, तो ऐसे लोग या हम में से सभी लोग बेशक कि सनसेट के बाद, सूर्यास्त होने के बाद जो लाइट एक्सपोजर है, आर्टिफिशियल लाइट, वो कम से कम हो। कम से कम सोने के 2 घंटे के बाद तो बिल्कुल ही कम हो, सोने के 2 घंटे पहले तक। मान लो 10 बजे सोना है तो 8 बजे से ये तो कम कर सकते हैं कि डिम लाइट में रहें, ये कर सकते हैं कि मोबाइल बहुत ज़्यादा ना देखें, स्क्रीन से बचें। और आधी रात को जब आप उठें तो मान लो पेशाब आता है तो क्या करते हैं, हम लाइट ऑन कर देते हैं। आधी रात को उठते ही हम लाइट ऑन करते हैं, पेशाब आया तो जैसे ही हमने लाइट ऑन किया तो ब्रेन को बता दिया ये तो दिन हो गया। और दिन हो गया मतलब वो सारे हॉर्मोन्स जो दिन में रिलीज होने हैं, जैसे कॉर्टिसोल एक्सेट्रा, वो बॉडी विल रिलीज। फिर आपको नींद भी नहीं आएगी क्योंकि दिन के हॉर्मोन रिलीज हो गए। तो आधी रात को अगर उठेंगे तो आपको डिम लाइट का भी जुगाड़ रखना है कि उसी को ऑन करना है, ताकि आपको सिर्फ दिखाई दे रहा हो, इतना ही है। तो बहुत छोटी सी बात, इससे आपकी नींद नहीं डिस्टर्ब होगी। अच्छा, नींद क्या है इस बात को समझना बहुत जरूरी है। नींद आती कैसे है, नींद आती क्यों है, रात को 10 बज गए तो नींद क्यों आती है, व्हाट मेक्स अ स्लीप। नींद आने के लिए आपके बॉडी के लिए जरूरी है एक खास तरह का हार्मोन का बनना, मेलेटोनिन। लेकिन मेलेटोनिन बन रहा है कि नहीं हम देख नहीं सकते, लेकिन वो तभी बनता है जब आपके बॉडी की टेम्परेचर कम होती है। जब टेम्परेचर नीचे जाती है तो नींद आती है। तो रात को अगर आप अपना टेम्परेचर चेक करेंगे 8 बजे के बाद या 10 बजे के बाद, तो आपका सबका टेम्परेचर करीब 0.5 डिग्री सेल्सियस कम होने लगेगा। जितना भी समय टेम्परेचर था, 99 था तो 98.5 हो जाएगा, और उसी से नींद आती है। जिस दिन नींद नहीं आएगी उस दिन का टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे तो वो लगभग बराबर रहेगा, तो नींद नहीं आएगी। तो नींद अगर मुझे आपको दिलाना हो तो मुझे क्या करना है कि इस वक्त अगर इस कमरे की का टेम्परेचर मैं कूल करता चला जाऊं, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होगा, तो आपको नींद का एहसास होगा। तो जिस कमरे में आपको सोना है उस कमरे का टेम्परेचर जिस कमरे में बैठे हैं उससे अगर थोड़ा भी कम होगा तो आपको नींद एकदम से आने लगेगी, राइट। सो या फिर हॉट वाटर इमर्शन या लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, जिनको नींद नहीं आती उनको हम बोलते हैं कि गर्म पानी वाले बाल्टी में बैठ जाओ आधे घंटे के लिए, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन जब बाल्टी हटा दी तब क्या होगा, वो टेम्परेचर घटना जो है दैट कॉजेस स्लीप। टेम्परेचर घटना, इट कॉजेस स्लीप। तो टेम्परेचर का कम होना नींद लाएगा, और टेम्परेचर कब कम होगा, जब लाइट का एक्सपोजर कम होगा। तो लाइट का एक्सपोजर कम करना है वो आपके हाथ में है, कि रात को 8 बजे के बाद मैं जो लाइट में रहूंगा वो लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट ना हो, और अगर ब्राइट होगा तो बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होगा, बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होगा तो मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं होगा या ठीक से नहीं होगा, आपको नींद आपकी डिस्टर्ब्ड होगी। और आधी रात को जब उठे तो भी आपका जो लाइट एक्सपोजर है वो डिम लाइट एक्सपोजर, कैंडल लाइट एक्सपोजर,
यानी कि आपको अपने टॉयलेट में जाके टॉयलेट का जो बल्ब है वो छोटा वाला बल्ब लगाना पड़ेगा, 0 वॉट बल्ब जिसे बोलते हैं। तो सनलाइट जितना ज्यादा सुबह ब्राइट लाइट एक्सपोजर होगा और जितना कम रात को लाइट एक्सपोजर होगा, अगर ये बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं उतनी गहरी आपको आपकी नींद होगी। नींद का गहरा आना भी एक इंडिकेशन है कि आपकी हेल्थ ठीक है, लगभग हेल्थ डिस्टर्ब नहीं है, आपके हेल्थ की जो फंक्शनिंग है वो ठीक है। अभी तक जो हम बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कि भाई खाने की टाइमिंग से जुड़ा हुआ, अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि किस तरह का खाना खाना है, वो बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टाइम की बात की। तो टाइम की बात अभी तक कंक्लूसिवली अगर आप ऐसा बोलते हैं कि यहां से जब जाएं तो हम सिर्फ एक ही नियम मानेंगे, तो वो नियम ये कि आप एटलीस्ट 10 घंटे के विंडो में खाइए। मतलब 10 घंटे का विंडो मतलब सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में खाना है। सिर्फ अगर एक ही बदलाव कर देंगे, अपने अपने घर में जाकर सिर्फ एक ही बदलाव करेंगे कि किचन 8 बजे खुलेगा और किचन शाम के 6 बजे बंद हो जाएगा, और जाना भी अलाउड नहीं, खाना भी अलाउड नहीं, सिर्फ एक ही चीज करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, तो भी बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम, चाहे वो पेन हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो ट्यूमरस ग्रोथ हो, चाहे वो ब्लड शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, उन सब में कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। ओनली बाई मेकिंग वन चेंज, दैट इज ईटिंग विद इन द ब्रैकेट ऑफ 10 आवर्स। जो एक्सट्रीम पेन में लोग होते हैं उनके लिए अलग बात है, वो थोड़े से लोग हैं, बट मेजरली दिस इज सफिशियंट। इसका मैं एक उदाहरण देके इसको खत्म करता हूं, हालांकि उदाहरण थोड़ा दुखदाई है लेकिन ये उदाहरण आपको समझ आएगी। श्रीलंका में भारत की तरह ही एक बार ये देखा गया 15,000 किसानों ने आत्महत्या की, 15,000 किसान। वो कैसे, वहां पे खास तरह का पेस्टिसाइड है, उनके दिमाग में आ गया कि ये खा लो इतने डोज में तो इंसान मर जाता है। लेकिन ये भी देखा गया कि बहुत सारे और किसान जिन्होंने वो आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन वो मरे नहीं। ये पाया गया कि वो किसान जिन्होंने शाम को जहर खाया वो सब बच गए, और जिन किसानों ने सुबह जहर खाया वही सारे मरे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कोई भी चीज जब खाते हैं उसका बॉडी में उपयोग तेजी से होता है सुबह वाले टाइम पे, खराब चीजों का खराब तरह से तेजी से होगा, अच्छी चीजों का अच्छी तरह से होगा। तो ये एग्जाम्पल है कि आपके बॉडी का एक बॉडी क्लॉक है, क्या खा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन कब खा रहे हैं वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका पुख्ता एग्जाम्पल ये आपके सामने है, 2012 की का ये रिसर्च पेपर है कि रात को आपका बॉडी खाने को उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता, उसको यूज नहीं कर पाता, उसको उठा के कहीं स्टोर कर देगा। दिन में जब सूरज होता है ड्यूरिंग दैट टाइम खाते हैं तो वही वाला खाना है जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक से मेटाबोलाइज होता है। अगर वो जहर है तो वो उस तरह से मेटाबोलाइज होगा जैसे इस केस में बताया गया है। तो यहां तक हमने बात किया कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, इस पर बात नहीं की। अब इससे भी एक कदम आगे चलते हैं, कब खाने के बाद कितना और क्या, क्या खाना है जो आपने इस 2 दिन में देखा, जो कल भी देखेंगे, लेकिन उसे सिंप्लीफाई करें, इसे कहते हैं DIP डाइट, द काइंड ऑफ डाइट विच आई एडवाइज। आप में से कितने लोग हैं जो यहां आने से पहले जो फेमिलियर थे DIP डाइट से, ज्यादातर लोग, थैंक यू, ये मेरा काम और आसान हो गया। तो DIP डाइट में स्टेप 1, 12 बजे तक सिर्फ फल ही खाना है। कितना फल खाना है, 4 तरह के फल हम बोलते हैं, रंग बिरंगे फल खाओ ताकि हर तरह का न्यूट्रिशन मिले। और कितना, बॉडी वेट के अनुसार, मेरा बॉडी वेट 70 kg × 10 यानी कि कम से कम 700 ग्राम। ये जो फॉर्मूला है ये एज्यूम करते हुए कि ये फॉर्मूला एक 40 साल का इंसान देख रहा होगा, अगर ये 40 साल का इंसान ना हो के ये 8 साल का कोई बच्चे का होगा तो ये 10 की जगह 20 कर दीजिए, और 10 से 18 साल का कोई होगा तो ये 1.5 गुना कर दीजिए, इसके 15 कर दीजिए, फिर 15, राइट। लेकिन यहाँ अधिकतर लोग 40 साल के आसपास, उससे अधिक है, कोई 60 साल से ऊपर है तो 10 की जगह ये 8 और 7 भी हो सकता है। तो ये एक टेंटेटिव नंबर है, आपको यूं मानना है कि 12 बजे तक सिर्फ फल खाना है और पेट भर के खाना है। एक बार में खाइए, 4 बार में खाइए, पेट जब तक भरे तब तक खाते रहिए, उतना ही आपको खाना है। पेट भर के खाना आवश्यक इसलिए है क्योंकि कम खाएंगे तो कमजोरी भी आती है कई बार,
नहीं हाँ ये चार एवरेज दिया है, 5-6 कर लो, 2-3 कर लो, इट्स ओके, दैट फ्लेक्सिबिलिटी यू आर हैविंग, सिंप्लीफाई करने के लिए वो चार रखा है। ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आपने संतरा खा लिया खूब सारे, उसके बाद आपने एक तरबूज काट के खा लिया, उसके बाद ऐसे भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है। अभी जैसे मैंगो सीजन है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 बजे तक सिर्फ आम ही खाए, वो भी कर सकते हैं, पेट भर के खा लें, है ना, तो दैट इज पॉसिबल। देखिए बैठिए बैठिए, ये जब खाते हैं नॉर्मली अगर भूख नहीं लग रही या तो पेट में कोई दिक्कत है, पेट में दर्द है या लूज मोशन है, कोई इन्फेक्शन है तो भूख नहीं लगेगी, राइट, तो उसमें फिर उसके इलाज करना है, वो मैं आगे बताऊंगा, राइट। नॉर्मली जब इस तरह से खाना शुरू करते हैं, चाहे मन मार के ही एक बार तब भी खा लेते हैं, तो एक रूटीन बन जाता है, तो आपकी भूख खुल जाती है, राइट, फिर भूख लगने लगती है, पहले दिन नहीं भी लगेगा तो दूसरे तीसरे दिन जितना ज़्यादा खाएंगे आप नोटिस करेंगे उतना, 12 बजे से पहले खा लेंगे तो 12 बजे के बाद दोबारा भूख लग जाएगी तेज़ी से। इस तरह से जब खाते हैं तो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म मतलब खपत बढ़ जाती है, खपत खर्च करने की जो बॉडी की एक शक्ति बढ़ जाती है, खर्च करने की शक्ति बढ़ेगी तो खाने के बाद भूख और ज़्यादा लगती है। कई लोग ऐसे बोलते हैं, आप में से कई लोगों ने महसूस किया होगा कि हम खाते तो हैं लेकिन भूख बहुत लगती है, इसका मतलब है कि आपकी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ गया, जैसे छोटे बच्चों का होता है। अब देखिए लंच, स्टेप टू, लंच और डिनर में जब भी बैठेंगे तो प्लेट 1 और प्लेट 2, यहाँ भी आपने ऐसे किया, पहले आप सलाद खाएंगे, टमाटर खीरा मूली गाजर ककड़ी मटर सलाद पत्ता प्याज वगैरह, कितना, बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 × 5 दैट बिकम्स 350 ग्राम्स, अच्छा खासा। इतना खाने के बाद अब रोटी सब्जी दाल चावल जो भी आपको खाना है, जो खाते आए हैं वेजिटेरियन फूड वो खाएंगे, डोसा इडली जो भी आप खाते हैं, पोहा उपमा जो भी आप खाते हैं वो खाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खाएंगे। ये जब खाएंगे तो वही वाली बात, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं कि खाने के बाद पेट भर जाएगा और ये नहीं खा पाएंगे, बल्कि आपकी इच्छा खाने की और बढ़ जाएगी। लंच में भी ये करना है, प्लेट 1 खाया फिर प्लेट 2 खाया, डिनर में भी ये करना है, राइट, यानी कि आपका जो खाने का विंडो है, विंडो ऑफ ईटिंग, तो अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं, अभी तक कंक्लूड अगर करें जितना कुछ मैंने अभी बताया कि क्या खाना है, वो ये खाना है, लेकिन कब खाना है, दैट इज बिटवीन 8 AM to 6 PM, दिस बिकम्स योर विंडो ऑफ ईटिंग। ये विंडो को अगर बढ़ा दें, खाना यह है जो सबसे अच्छा खाना है जो आप इन 3 दिन में खा रहे हैं, लेकिन आप इसी को अगर बढ़ाएंगे, ये मैं कंक्लूड कर रहा हूं जो अभी तक 1 घंटे में बताया मैंने, जैसे जैसे बढ़ाएंगे, अगर बढ़ाते 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 क्या बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, डिजीज। वही खाने को आप कम करेंगे, विंडो कम कर देंगे तो ये हेल्थ आ जाएगा। तो खाना ये है, लेकिन विंडो ऑफ ईटिंग भी ध्यान रखना, क्या है वो, 8 AM to 6 PM, लेकिन उसको 7 कर दिए, 8 कर दिए, 9, 10, 11, तो धीरे धीरे इट बिकम्स डिजीज। डिजीज कब आता है, या तो गलत खाने से आता है या गलत तरीके से खाने से आता है, गलत टाइम में खाने से आता है। आजकल दिक्कत क्या है, गलत खाना भी खाते हैं, वो भी गलत समय पे, खास तौर पे जो आईटी से जुड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक, क्योंकि एक तो पता नहीं ऑनलाइन ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, फिर ना काम का कोई सिर पैर, वो तो फिर रात को 2-2 बजे तक वो काम भी करते हैं, यानी कि 2-2 बजे तक ब्राइट लाइट एंड ईटिंग विंडो दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। जब दो चीज डिस्टर्ब कर दिया तो तीसरी चीज डिजीज आना ही आना है। तो इस बीमारी को कोई भी दवा ठीक नहीं कर सकती, वो तो बॉडी क्लॉक को ठीक करके ही होगा, इस बात को हमें समझना होगा। तो यहाँ पे एक आखिरी बात वो ये कि दो तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है, पैक्ड फूड बिस्किट ब्रेड नमकीन वगैरह, और एनिमल एंड फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट, दूध दही लस्सी मक्खन घी पनीर छाछ, इनको अवॉइड करना, आपने करके भी देखा, आगे भी करना है। और क्या खा सकते हैं एज ए स्नैक्स, नट्स हैं स्प्राउट्स हैं, ये कभी भी खा सकते हैं मुट्ठी भर, कोई टाइम नहीं है, लेकिन 6 बजे से पहले पहले खा लीजिए,
फ्रूट्स 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं, लेकिन 6 बजे से पहले पहले खा लीजिए, रात के 9 बजे नहीं खाना है कुछ। धूप में बैठी है 30 मिनट 40 मिनट, धूप में बैठी है, सनलाइट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। धूप में बैठेंगे तो वही जो आपने सवाल पूछा टेम्परेचर, आपकी हीट बढ़ेगी। लंच में सैलेड के फ्रूट खा सकते हैं। देखिए फ्रूट्स का अपना रोल है, वेजिटेबल्स का अपना रोल है। एक बात समझिए दोनों के मैकेनिज्म में, फ्रूट्स इट गेट डाइजेस्टेड द फास्टेस्ट, वो एकदम से शुगर बॉडी में पूरा दौड़ता है, जो कि सुबह में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो वेजिटेबल्स हैं वो फ्रूट से अलग मैकेनिज्म में थोड़ा काम करता है, तो जिसमें हमारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, वो ज़्यादा होता है। तो दोनों की अपनी अहमियत है, लेकिन फॉर ए चेंज कभी कभी आपने ब्रेकफास्ट में फल खा लिया, लंच में फल खा लिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। लेकिन आइडियली इसी तरह से खाएं जैसे बोला, तो ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा या मिल सकता है। तो सनलाइट इट प्लेज अ मेजर रोल, सन का लाइट जो आप देखते हैं और धूप जो बॉडी में पड़ती है, दोनों का अपना अपना रोल है। आप इतना तो कर ही दीजिए कि ब्रेकफास्ट हमेशा सनलाइट में खाइए, अगर धूप में जा नहीं सकते तो कम से कम खिड़की खोल दीजिए, धूप दिखाई दे रही है वो भी आपके लिए काफ़ी हद तक काम करेगा, धूप का दिखना भी। लंच खिड़की के सामने बैठ के खाइए, अगर बिल्कुल धूप में एक्सपोज नहीं भी हो पा रहे हैं तो जब भी मौका मिले धूप आपके बॉडी में पड़े तो दैट विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। एक तो लाइट आ रहा है और दूसरा जो धूप की तपन आ रही है, दोनों चीज़ों का अपना अलग अलग इम्पॉर्टेंट रोल है, इस बात को हमें समझना होगा। तो ये हम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने बॉडी क्लॉक को ठीक करना चाहते हैं। बॉडी क्लॉक क्या होता है, मैंने आपको शुरू में बताया था, आपके टेम्परेचर का बॉडी क्लॉक है। टेम्परेचर का बॉडी क्लॉक क्या है, सुबह का जो टेम्परेचर है, राइट, वो सुबह अगर 6 बजे का टेम्परेचर देखेंगे द लोएस्ट, और रात को 6 बजे देखेंगे हाइएस्ट, फिर धीरे धीरे वो कम होने लगता है। तो टेम्परेचर का एक रिदम है हमारे बॉडी का, ब्लड प्रेशर का रिदम है बॉडी का, इंसुलिन प्रोडक्शन का एक रिदम है, तो हर बॉडी के हार्मोन का एक रिदम है। वो रिदम जब बिगड़ जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। रिदम ठीक करने में कितना दिन लगता है, 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है, 1 हफ्ता लग जाता है, कभी कभी 10 दिन भी लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इसीलिए आपने देखा कि पिछले 2 दिन के अंदर ही आप में से बहुत लोगों के मिराकुलस रिजल्ट आए, रिजल्ट ऐसे जो कि नॉर्मली कोई मिराकुलस रिजल्ट बोलेगा। बॉडी क्लॉक को ठीक करना है। आपने जेट लैग तो सुना ही होगा, जेट लैग, यहाँ पे अभी 2 बज रहे हैं मान लो, या 1 बज रहा है, US में जाएंगे तो रात के 1 बज रहे होंगे। तो जब फ्लाई करके किसी और जोन में जाते हैं, किसी और जोन में गए, तो वहाँ पे अगर हम मोबाइल को ऑन करते हैं, फ्लाइट मोड में होता है, तो टाइम कहाँ का आता है, यहीं का आएगा ना, भारत का। और वहाँ का टाइम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वहाँ के इंटरनेट से जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो टाइम कहाँ का आ जाता है। तो मोबाइल का जो क्लॉक है, मोबाइल का जो बॉडी क्लॉक है, उसको अगर US के अनुसार सेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ के इंटरनेट से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप 10 दिन तक वहाँ के इंटरनेट से नहीं कनेक्ट करेंगे तो 10 दिन तक वो कौन सा वाला टाइम दिखाएगा, अगर 1 साल तक नहीं कनेक्ट करेंगे तो 1 साल तक दिखाएगा, 10 साल तक नहीं करेंगे तो 10 साल तक इंडिया का टाइम दिखाएगा। जिस तरह से वहाँ के नेटवर्क से आप मोबाइल को कनेक्ट करते ही वहाँ का नेटवर्क वाला क्लॉक ऑन हो जाता है, ठीक उसी तरह से जिस भी देश में, जिस भी शहर में आप जाते हैं, जब भी जाते हैं, जैसे आप अभी यहाँ पे आए, राइट, एरोप्लेन से जैसे ही उतरे, अपने चप्पल उतारे, वहाँ की मिट्टी में अपने पैर रख दिया, तो वहाँ की जियो मैग्नेटिक फील्ड से आप कनेक्ट हो गए और आपका बॉडी क्लॉक वहाँ के हिसाब से सेट हो गया, तो जो जेट लैग है ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो बॉडी क्लॉक है उसको सेट करने के लिए आपको आसमान से और धरती से जुड़ के रहना पड़ेगा, तभी जाके आप ठीक हो पाएंगे। हर बार जुड़ना पड़ेगा, हर दिन अलग अलग तरीके से जुड़ना पड़ेगा, बार बार जुड़ना पड़ेगा। जिस तरह से ये मोबाइल तब तक ही काम करता है जब तक कि ये नेटवर्क से जुड़ा रहता है, जब तक नेटवर्क से नहीं जुड़ा रहेगा तब काम नहीं करेगा, ठीक उसी तरह से हमारा बॉडी तब तक काम करेगा जब तक हम नेटवर्क से जुड़े रहेंगे। नेटवर्क मतलब जियो मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ने का एक तरीका क्या है कि आप नंगे पैर जब चलते हैं धरती से जुड़ जाते हैं, राइट, लेकिन अभी जब नंगे पैर नहीं चल रहे हैं, लेकिन अभी आप धरती से कैसे जुड़े हैं, अभी आपके नीचे पैरों में जो ये 0 वोल्ट मैट लगा है, ये जो तार है, ये तार बाहर जाके धरती से जुड़ा है, तो इसके थ्रू इनडायरेक्टली आप जुड़े हुए हैं। तो
धरती से जब जुड़ते हैं तो लिटरली आपने, आपको जीरो वोल्ट का क्लास में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन बॉडी में ट्रेवल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल करने से ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो इट इज़ ए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से ही मुख्यतर ज़्यादातर बीमारियां होती हैं। अब एक इंटरेस्टिंग स्लाइड ये है, इसी को बात कर लेते हैं। जैसे ही आप धरती से जुड़ते हैं तो विद इन फर्स्ट 10 सेकेंड आपका वोल्टेज बॉडी का वो जीरो हो जाता है, वो आपने देखा भी। और 20 मिनट में आपका मूड, एक एग्जांपल, एक आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है या किसी कोई बहुत दुखी है, गुस्सा दुख दोनों में से, या डिप्रेशन या डर, कोई भी नेगेटिव थॉट अगर आपको आए, किसी को आए, उसी वक्त आप बाहर जाइए और मिट्टी पे अपना पैर रख दीजिए, घास पर अपना पैर रख दीजिए, और ऐसा अगर आपने 20 मिनट तक कर पाए तो आपको एहसास होने लगेगा कि अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, राइट। अगर कोई आप पे गुस्सा कर रहा है, बोलिए चलिए बाहर, चलिए बाहर बात करते हैं। और अगर वो नंगे पैर, अगर धरती पे उसका पैर है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि 20 मिनट में उसका मूड थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, राइट। तो 20 मिनट में मूड ठीक होता है, ऐसा हमने देखा। 40 मिनट में रिलीफ फ्रॉम पैल्पिटेशन, हार्ट बीट इरेगुलर हो तो 45 मिनट्स में अक्सर मैंने देखा कि असर हो जाता है, उसका हार्ट बीट रेगुलर हो जाता है। 1 घंटे में पेन में रिलीफ मिलने लगता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे कुछ लोग जो हमसे जुड़े हैं वो बताते हैं, उनमें से एक का ये एक्सपीरियंस है कि ट्रेन में वो जा रहे थे और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बैक पेन। उसने क्या किया, ट्रेन का जो रॉड है, जो बंक वाला जो है, उसको पकड़ लिया लोहे का, और उसे पकड़े रखा, थोड़ी देर में पेन रिलीफ होने लगा। क्योंकि ट्रेन के जो पहिए होते हैं वो लोहे के होते हैं, और वो लोहे के पहिए धरती से कनेक्टेड होते हैं लोहे के वो ट्रेन रेलवे ट्रैक से, तो जैसे आप अभी कनेक्टेड है धरती से। तो ये रियल, आप अभी जब रात को सो भी रहे हैं तो भी आप 0 वोल्ट बेडशीट में सो रहे हैं। जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप सबको एक 0 वोल्ट बेडशीट एज ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम आपको मिलेगा। यानी कि जाते ही आपको यही वाला बेडशीट जो आपको मिलेगा बिछा देना है अपने घर पे, ताकि हर दिन कम से कम 8 घंटे 10 घंटे आप धरती के कांटेक्ट में रहें, चाहे वो बेडशीट के बहाने क्यों ना रहे, राइट। तो 1-2 घंटे के अंदर ही स्लीप अच्छी होने लगती है। वूंड हीलिंग में जब भी ऐसे लोग जिनके घाव भरते ही नहीं हैं, तो उनको हम हॉस्पिटल में ये 0 वोल्ट बेडशीट का हम इस्तेमाल करते हैं, उससे घाव भरने में बहुत ज़्यादा फायदा दिखता है। ब्लड प्रेशर 7 दिन तक करते हैं, मान लो एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, आपके घर में कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो आप ये बेडशीट तो कल लेके ही जा रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल में कोई बदलाव मत कराइए, सिर्फ इतना बोलिए कि ये जो बेडशीट है इस पे आपको सोना है। आप नोटिस कीजिए विद इन ए वीक्स टाइम उसका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जस्ट बेडशीट में सोने से ही कम होने लगेगा। बेडशीट सोना मतलब 0 वोल्टेज पे रहना, 0 वोल्टेज का ये पावर है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके आप खुद भी देख सकते हैं। हमने देखा हमारे जो छोटे छोटे बच्चे, हमारे पेशेंट्स हैं थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स, उनको हम बोलते हैं कि वो धरती से कनेक्टेड रहें जितना हो सके। तो पेड़ पे चढ़ना या घास में खेलना आजकल जो कि बहुत कम हो चुका है, उनको घंटों घंटों ऐसा मौका देते हैं। और हमने देखा कि 1 महीने ऐसे बच्चे जो थैलेसीमिया के बच्चे, जिनको हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता था, विद इन ए वीक मंथ टाइम उनका ब्लड चढ़ाना की आवश्यकता हमेशा के लिए बंद हो गई। कई कई महीने से ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ब्लड दोबारा नहीं चढ़ाया और उनका हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है। उनके सारे केस स्टडी हमारे पास हैं, किताब के फॉर्म में है, क्योर फॉर ब्लड डिसऑर्डर, ये किताब का लिंक भी मैं दे दूंगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जस्ट एक इम्पॉर्टेंट बात, धरती के कॉन्टैक्ट में रहने से कितनी सारी बीमारियाँ कितनी आसानी से जा सकती हैं। इसका उल्टा कर लीजिए कि कॉन्टैक्ट में नहीं रहने से बीमारियाँ आती रहती हैं। आपने ये डिसाइड करना है इस मोबाइल की तरह कब हम नेटवर्क से जोड़ें, राइट। जोड़ने अभी 20 साल बाद जोड़ेंगे या आज से जोड़ेंगे, जब भी जुड़ेंगे तभी जाके ठीक होने लगेंगे। जितना हम धरती से, सनलाइट से दूर होते जाएंगे, उतना हमारा बॉडी क्लॉक बिगड़ता जाएगा। जितना बॉडी क्लॉक बिगड़ेगा उतना हम बीमार होते चले जाएंगे। दवाइयाँ तो सिर्फ उस स्प्रे की तरह, परफ्यूम की तरह जो एहसास दिलाएगी कि शायद हम ठीक हैं, लेकिन इस एहसास में आपकी बीमारी और तेज़ी से बढ़ती जाएगी। तो बीमारी को ठीक करने का रास्ता बड़ा सिंपल है, यू करेक्ट योर बॉडी क्लॉक। और बॉडी क्लॉक को करेक्ट करने के सिस्टम आप ये 3 दिन यहाँ
जी रहे हैं, इसी चीज को घर पे कैसे करेंगे आसानी से, वो हम कल जब आप जाएंगे, कल जाने से पहले आप सबको आपका अपना अपना बॉडी क्लॉक चार्ट मिलेगा, अपना अपना सर्कैडियन चार्ट बोलते हैं सबको अपना अपना। आपका जो सर्कैडियन चार्ट है वो आपके जो मेडिकल हिस्ट्री है, जो मेडिकल हिस्ट्री आपने हमें सबमिट किया है उसके अनुसार कस्टमाइज्ड होगा। मतलब सबका जो सर्कैडियन चार्ट है वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन कि आपकी दिक्कतें क्या थी, नंबर वन, उनमें से कितनी सारी दिक्कतें 3 दिन में रिजॉल्व हुई, नंबर टू, और जो रिजॉल्व नहीं हुई उसके लिए क्या करना है। तो एक तो सवाल जो ये हम में से कई लोगों के दिमाग में होगा कि कल के बाद क्या करना है, कल के बाद क्या करना है, उनके लिए सबका एक एक चार्ट बन रहा है, राइट। आज आपके जो रीडिंग्स हैं, आपके जो इनपुट हैं, उससे रात को बनेगा, यानी कि रात को जब बनेगा तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, आप जब सो जाएंगे 9-10 बजे के बाद, तब वो बनेगा। और अक्सर हमने देखा 100 का एक ग्रुप को बनाने के लिए करीब 4 घंटे लग जाते हैं, 5 घंटे लग जाते हैं। तो यानी कि आज रात को हमारे डॉक्टर्स 2-3-4 बजे ऐसे कुछ सोएंगे, यानी कि आज रात का उनका बॉडी क्लॉक बिगड़ जाएगा। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कभी कभी बॉडी क्लॉक बिगड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट रूटीन में आप जब नॉर्मल लाइफस्टाइल में आपको इन सब चीज़ों का पालन करना जो आपने आज सीखा है, उसके बाद क्या कभी कभी कोई झटका लगेगा तो बॉडी आराम से सह लेता है। बट रूटीन में नॉर्मल लाइफस्टाइल जब है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, तो उस वक्त आपको अपना टाइम ऑफ ईटिंग ब्रैकेट, टाइम विंडो ऑफ ईटिंग 10 आवर्स, और टाइम बिटवीन 8 AM to 8 PM के बीच में ही कहीं, तो जो कानून नियम हमने आज शेयर किए उसको लगभग लगभग फॉलो करने की कोशिश करते रहना है। उसके आसपास भी कहीं होंगे, पूरा 100% नहीं फॉलो कर पाएंगे, उसके आसपास भी कहीं थोड़ा बहुत फॉलो करते रहेंगे, तब भी जिंदगी की गाड़ी ठीक ठाक ही चलती रहेगी, राइट। तो यहाँ तक हम आज के आखिर तक पहुँचे हैं। आपके दिमाग में और सवाल आए होंगे, उसके लिए इसी तरह के आपके पास स्लिप होंगे, इसको भर के सबमिट कीजिए, वो स्लिप मेरे पास आ जाएगा, और कल आपके अगले एक दिन के जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, इन सवालों के जवाब मिलेंगे, और हर एक के सर्कैडियन चार्ट हम शेयर भी करेंगे और उसके एक्सप्लेन भी करेंगे। एंड विद दिस वी कंक्लूड टुडेज दिस लेक्चर।